ओके। नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। आइए बैठिए। आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर रेड्डी, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। आपका नाम क्या है, आप कहां से कॉल कर रहे हैं? सीएम साहब को मेरा नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम विपिन है सर, गुंटूर से बोल रहा हूँ। हाँ बोले। इलेक्शन के वक्त आप हमारे यहाँ आए थे, इस बात को आज 2.5 महीने हो चुके हैं, तब से आपने हमारी खबर तक नहीं ली। अच्छा आपके गाँव में बिजली आ गई है? हाँ सर। पानी की कोई समस्या है? नहीं सर। नए रास्ते बनाए गए? हाँ सर। आपके यहाँ पुराने पोस्ट ऑफिस के पास एक बड़ा गड्ढा हुआ करता था, उसे भर दिया गया है ना? हाँ भर दिया गया सर। पहले आपके गांव में हर एक घंटे में एक बस आती थी, अब 15 मिनट में एक बस आती है। आती है या नहीं? आती है सर। अब जब सब समस्याएं दूर हो गई हैं, तो मैं वहाँ आकर करूँ क्या? 2.5 साल बाद वोट मांगने जरूर आ जाऊंगा। सर हम तो बिना मांगे आपको ही वोट देंगे। धन्यवाद। सर आपको उस छोटे से गाँव का पोस्ट ऑफिस इतनी अच्छी तरह कैसे याद है? मैं पूरे राज्य का दौरा कर चुका हूँ, मुझे पता नहीं होगा तो किसे होगा। नेक्स्ट। यूं ही चलता रहा तो अगली बार भी सीएम यही बनेगा। ये तो अपने अपने नजरिए की बात है, मेरा मानना है कि देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी कोई चक्कर चलाकर फिर से सीएम बन जाइए ना। इसका चेहरा तो देख, इसकी ये मुस्कुराहट देख के जान जलने लगती है। मीडिया के सामने हम सब के चेहरे भी ऐसे ही होते हैं। जल्दी कुछ कीजिए ना, इसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कल से ये मुस्कुराना भूल जाएगा। दो जात वालों के बीच फूट डाल दो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। काम पर लग जाओ। कौन सी जाति सपोर्ट करती है इसे? जीजा जी, हमारे देश में इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतनी फरका परस्ती है कि उन्हें लड़वा कर हम आराम से अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। अगर ये आपस में मिलजुल कर रहने लगे तो हमारी सियासत का क्या होगा? हमें तो देश को बांटना है ना। हॉस्टल वाले लौंडों को फोन करो। ठीक है अभी करता हूँ। कुछ लोग हमारे हॉस्टल के ग्रुप को मार रहे हैं, जल्दी आओ। ए मामा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भांजे। क्या हुआ? अरे भांजे आए दिन हॉस्टल के ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं, अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? उन्हें किसने मारा था? पता नहीं। उन्हें मारने की वजह क्या थी? मालूम नहीं। जब मालूम नहीं तो बिना वजह लड़ क्यों रहे थे? कौन है बे तू? किस हॉस्टल का है? तू किस हॉस्टल का है और यहाँ क्या कर रहा है? हॉस्टल में क्यों आया? वैसे आप कौन हो? रोज तुम्हारा टीवी देखने वाला एक आम आदमी। इन्हें तुमने क्यों मारा? थोड़ा डाउट हुआ इसलिए मार दिया। कौन सा डाउट? डाउट यह है कि सरकार ने इस जाति को हॉस्टल दिया रहने के लिए, और उसी सरकार ने इस जाति के लिए भी इसी हॉस्टल को रिजर्व कर दिया। सरकार इन दोनों पर खर्चा कर रही है, वही सरकार जो सब जात के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाती है, तो फिर दो अलग अलग हॉस्टल क्यों चला रही है? यह हॉस्टल इनके लड़ाई झगड़े की वजह बन गया है। समाज को बांटने की आज के नेताओं की यह सोच मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती।
लेकिन इनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। सब सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा मैं इन दोनों हॉस्टल में जमा रहूंगा। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। चलो मेरा डाउट क्लियर करो। तुम क्लियर करोगे? कौन मेरे सवाल का जवाब देगा? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोगे? देना दे? क्या तुम दोगे? ये कौन है जीजा जी? हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। इस आदमी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। कौन है ये? कौन है ये? इसकी बात में तो बहुत दम है। पता नहीं कौन है लेकिन बंदे में दम है यार। वाओ, इस बंदे में कुछ बात तो जरूर है। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अच्छा, थोड़ा सा पागल भी लग रहा है। रात के 12 बजे इसका डाउट कौन क्लियर करने आएगा? ऐसे सवाल पूछ रहा है जिन्हें पूछने की किसी में हिम्मत नहीं। रहने दीजिए सर, आप मुझे भूल गए। मुझसे जिद्दी नहीं हो सकता। चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोगे? इससे फेस टू फेस होना पड़ेगा। इससे मिलना चाहती हो तो जाओ मिल लो। सुनो, कल रात एक बंदे ने हंगामा खड़ा कर दिया था। मैंने सुना है वो यहाँ मैकेनिक का काम करता है। उसका नाम क्या है? राम बाबू। कहाँ है वो? अंदर था, बाहर गया है। मुझे उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताओ। तुम कौन हो? मीडिया। कल रात जो भी हुआ उसका राम बाबू से क्या लेना देना है? ना लेना है ना देना है। तो फिर वो तो फिल्मी क्यों हो गया था? वो ऐसा ही है। मुझे डिटेल में बताओ ना। डिटेल ये है कि नाइंसाफी उसे बर्दाश्त नहीं होती। दांत घसते ही वो न्यूज़पेपर पढ़ लेता है और अगर उसमें कोई नाइंसाफी छपी हो जैसे कि उस बेटे ने माँ को अपने घर से निकाल दिया था तो वो वहाँ इंसाफ करने पहुँचा। उसकी बराबर मरम्मत की। आप तुम इस संडे की बात ले लो, आराम से घर पे बैठ के खाना खा रहा था, टीवी पे एक साधु स्कैम की न्यूज आई तो वो वहाँ स्वयं अपनी बेल्ट लेकर उन्हें दक्षिणा देने पहुँच गया। बस्ती में जाली दवाओं की दुकान के बारे में सुना तो वहाँ पहुँच गया। पेंशन नहीं मिल रहा है ये सुना तो इंसाफ दिलाने वहाँ पहुँचा। ये तो कुछ भी नहीं, जब उसे पता चला कि बाजू वाले शहर में एक लड़की को छेड़ने वाले कुछ गुंडे पकड़े गए हैं तो ये सुनकर उसका मन नहीं भरा, वो उनकी सेवा करने स्वयं हवालात में पहुंच गया और उनकी से सेवा की। सेवा के मेवा में उसे 4 दिन की हवालात की हवा मिली। ना इंसाफी उससे बर्दाश्त तो होती ही नहीं और दूसरी बात ये है कि वो हर इंसान की तय दिल से इज्जत करता है। गड़बड़ी में आंखें लाल हो जाती है और दाया हाथ गर्दन के नीचे आता है। और आगे क्या होता है देखते रहिए कल तक परसों तक और जब चाहिए तब तक। इंटरेस्टिंग। और उसकी फैमिली? मम्मी पापा भाई बहन? उसका कोई नहीं है सिवाय उसकी माँ के। वो पागल है, मेंटल हॉस्पिटल में है। बेचारी, मतलब वो आपके यहाँ ही रहता है? नहीं नहीं, मेरे यहाँ नहीं रहता बल्कि मैं उसके यहाँ रहता हूँ। सबको लगता है कि मैं मालिक हूँ लेकिन उसने मुझे यहाँ रखा है। टोटल 25 आदमी रहते हैं यहाँ पे। अभी वो कहाँ गया? एक औरत ने बच्चा पैदा करके उसे रास्ते में कहीं छोड़ दिया। ये न्यूज टीवी पे आ रही थी, वो उसे गोद लेने गया है। लो वो आ गया। बस 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 घर पे पहुंच गए। ए संभाल इसको, जैस के लिए दूध लेके आ। ठीक है भाई। मामा ऑटो वाले को पैसे दे। हाँ अभी देता। आपकी तारीफ? टीवी पर मेरा नाम सुना होगा, कैमरामैन गंगा। कैमरामैन गंगा तो किसी आदमी का नाम लगता था लेकिन मैं किसी आदमी से कम नहीं हूँ। ओहो, तुम भी कम नहीं हो। हाँ, थैंक यू जी। लड़की है? हाँ हाँ जी। इसे क्यों लाए हो? परवरिश करूंगा इसकी। क्या बात है, फिर किसी लड़के से शादी करा के विदा कर दोगे? आप तो अंतर्यामी निकली। तुम तो सच में कमाल हो। थैंक यू। ऐसे मत देखिए, गुदगुदी होती है। तुम मजाक भी अच्छा करते हो। बताया था ना मैंने? ये आपने नहीं बताया था।
राम बाबू जी कहिए ना। मैं तुम्हें यूज करूंगी। यूज करेंगी? किस तरह यूज करेंगी? तुम्हारे अंदर जो आग है ना, उससे मैं यूज करूंगी। ओ लगता है मैडम कुछ कम है। अरे नहीं मामा, जरूरत से ज्यादा है। मतलब हाथ लगाती है तो करंट लगता है। हाँ। न्याय का दूसरा नाम राम बाबू। अक्सर लोग हो रहे अन्याय को बिना समझे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ अलग है। अन्याय को जवाब देता है, भूखों को खाना, गरीबों को घर, सरकार पर सवाल उठाता है, गुंडागर्दी रोकता है। नाम है राम बाबू। वो है तो एक आम मैकेनिक, लेकिन गाड़ियों के साथ साथ इंसानों की भी मरम्मत करता है। अत्याचार से मुंह मोड़ के अपनी जिम्मेदारी निभाता है और गरीबों को इंसाफ दिलाता है, गुंडों को सबक सिखाता है, जरूरत पर पंच देता है। तोड़ने के साथ साथ वो जोड़ता भी है। बैंक से लोन लेकर वो लोगों की मदद करता है। अब तक न जाने उसने कितने लोगों की जिंदगियां बनाई हैं। पहले मैं एक आवारा प्रेमी था, भाई ने ऑटो दिला के मुझे काम पे लगा दिया। 2 साल पहले मेरे पति चल बसे, राम बाबू ने हमारे लिए जूस की दुकान खुलवाई, आज मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। राम बाबू देवता है, मेरा परिवार उनके आशीर्वाद से जी रहा है। आज अपन खुश था इसलिए अपन ने पी ली। लेकिन राम बाबू को इसके बारे में मत बता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राम बाबू देवता है। राम बाबू की मेहरबानी से ही मैंने चप्पल की दुकान खोल ली। क्या आप राम बाबू का असली मकसद जानते हैं? सबको बिजी रहना चाहिए, काम नहीं करोगे तो चांटा लगाऊंगा। अगर मुझे डाउट आया तो राह चलते आदमी से रोक कर पूछूंगा तुम क्या करते हो, और अगर उसने कहा कि कुछ नहीं करता, गिट्टी दबा दूंगा साले की, बिना साबुन के धुलाई। हेलो, ओके ओके। तो कैसा लगा मेरा प्रोग्राम? मुझे तो ऐसा लगता है तुम मेरा टैलेंट देख के हैरान हो गए हो। दैट इज गंगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तुम्हारी लाइफ की पूरी फिल्म मेरे दिल में एकदम सेट है। आज से तुम्हारी लाइफ पूरा का पूरा यू टर्न लेगी। ऐसा क्या? देखो, आज तुम्हारा ये खटारा वर्कशॉप तो एकदम शहर में वर्ल्ड फेमस हो गया। तुम एक न्यूज रिपोर्टर बन जाओ तो चलो चलो न्यूज चैनल में धूम मचाए, पूरे शहर को बता देते हैं कि राम बाबू हिट होने वाला है। भतीजे ये सही कह रही है, यही मौका है, मार दो चौका, ज्वाइन कर लो चैनल, खिला दो अभी क्या भी, घर जो संभाल लूंगा, तुम जाओ। संभाल लोगे ना? ये पूरा एरिया प्रोग्रामिंग के लिए है और एडिटिंग वहाँ होती है। ओ। Hey, भुवन, एमडी कहाँ है? एमडी ऊपर अपने कैबिन में। ऊपर अपने कैबिन में? ओके। कम ऑन राम बाबू, ऊपर। सच कहता हूँ, तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम जैसों की ही जरूरत है मेरे चैनल को। मुझे काम करने की आजादी चाहिए, मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ना गलत करूंगा ना करने दूंगा। अपना दिमाग हठेला है, अगर अन्याय होते देखा तो दिमाग की बत्ती लाल हो जाती है। अगर लड़की भी गलती करे तो भी नहीं छोड़ता, अगर इसने भी गलती की तो कान के नीचे एक दूंगा मैं। ऐसा ही हूँ, इसीलिए तो ये तुम्हें यहाँ लाई है। ओके, तुम जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओए, अंदर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे कान के नीचे बजाओगे, मुझे हाथ लगाओगे? मैं ऐसा कर सकता हूँ? अच्छा, कुछ भी गंगा। एक कैमरामैन के सामने एक्टिंग मत करो। मैं सिर्फ दिखती हूँ ऑर्डिनरी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लाई और तुम मुझे ही सिखा रहे हो? नहीं नहीं गंगा जी, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मेरे अंदर तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, सब ऑर्डिनरी है। हर रोज 2-3 घंटे मेरे साथ बिताना, ओवर स्मार्ट बन जाओगे। सही है, गुड, एकदम समझ गया मैडम। एक और चीज। हाँ बोलिए। अभी तुम घर निकल लो, पतली गली से बाइक है ना? हाँ, 2 पहियों वाली। हाँ, तो सुबह मुझे पिक कर लेना। आज तुम्हारे पंटर लोगों ने पार्टी रखी हुई है तो उनसे कहना मेरा मूड नहीं है। हाँ कह दूंगा ना, तुम नहीं रहोगी तो और भी मजा आएगा। पार्टी के लिए कुछ पैसे चाहिए? नहीं, मैनेज कर लेंगे। मैं 500 दे सकती हूँ? अरे बाप रे, इतनी बड़ी रकम, पार्टी करे कोई शादी थोड़ी, रहने दो। यहाँ आते ही तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर हो गई है। थैंक यू। कल टाइम पे आना। पियो, लेकिन पी के बैठना नहीं। भतीजे हम तो पीते ही हैं बहकने के लिए, अगर पी के ना बहके तो क्या फायदा पीने का, हम लोग तो टेंशन को पेंशन देने के लिए पीते हैं। अच्छा, कैसी टेंशन? वो मसाला डोसा बेचने वाली है ना? हाँ? वो तुम्हें बहुत ताकती है।
ऊपर से नीचे तक घूरती है। उसने अपना ठेला गैरेज के पास लगा लिया था, मुझे फिक्र है कि वो अंदर ही ना घुस जाए। किधर है वो? उधर है वो। ए, तेरा मर छोड़ के गया तेरे को, तो रोती काहे को है? इस चैनल के सारे लोग एक तरफ, लेकिन एसआरके सबसे ऊपर है। एसआरके कौन है? हेड ऑफ सोशल इश्यूज। मैं तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ, चलो थोड़ा फास्ट चलो। राम बाबू। नाम एकदम आम है, मैं तुम्हें आम से खास बना दूंगा, थोड़ी पॉलिशिंग से लड़का ऊपर पहुंच जाएगा। सर, तभी तो मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ, सिर्फ 2 दिनों तक आप इसे अपने अंडर रख लीजिए, फिर ये मेरे लेवल का हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। मिस्टर राम बाबू। सर, हेड ऑफ सोशल इश्यूज का मतलब पता है? नहीं सर। मतलब सारे इश्यूज अपने सर पे ले लेना, अगर इश्यूज ना हो तो शूज तैयार करना। ये शूज कैसे तैयार करते? यू इनोसेंट फेलो, आई विल शो यू, कम फॉलो मी। ए दीदी, अंधे की मदद कर बाबा, तू एक देगा तो वो 100 देगा, अगर तू मुझे नहीं देगा तो वो तुझे भी नहीं देगा बाबा। हम लोग सच में सर्टिफाइड अंधे हैं बाबा। बहन जी, आपा, सिस्टर, दीदी, अक्का। मिस्टर राम बाबू। सर, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ओके ओके सर, वॉच दिस। अगर तू रुपीस में देगा तो डॉलर में देगा बाबा। मैं दूंगा ना, तो देना। अभी अभी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई फिल्म लव इज ब्लाइंड देखी क्या? अंधा फिल्म कैसे देख सकता है बाबा? नहीं देख सकते ना? नहीं, लेकिन सुन तो सकते हो? हाँ सुन सकते हैं बाबा। एक मिनट रुको, सर ये डायलॉग सुनो। चल फुट अंधे, चल फुट अंधे, चल फुट अंधे। बार बार एक ही डायलॉग बज रहा है बाबा। अरे कॉपी पेस्ट किया रे। इस डायलॉग को सुन के क्या फील होता है? कुछ समझा नहीं बाबा। अरे मतलब चल फुट अंधे, चल फुट अंधे, चल फुट अंधे सुन के तुम्हें बुरा नहीं लगा? हमको बुरा लगा तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे एक अंधे को बोला तो दूसरे को बुरा लगे? हाँ बुरा लगा। तुझे बुरा लगा ना तो गुस्सा दिखा ना। बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे स्टूडियो चल के भड़ास निकाले। सब निकालूंगा। फिर उठो चलो। चलो कहाँ चलना है? हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लव इज ब्लाइंड के एक डायलॉग ने सारे अंधों को लाल पीला कर दिया है। चल फुट अंधे, चल फुट अंधे, चल फुट अंधे। सेंसर ने ऐसा डायलॉग पास कैसे किया? क्या सेंसर बोर्ड खुद अंधा हो गया? बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है धनराज? लगता है इस दुनिया में अंधा होना पाप है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा एमएमएस देखा था मैंने। इस जन्म में एक एसएमएस भी नहीं पढ़ सकता मैं। कूल कूल। इतना ही नहीं, अंदर की खबर यह है कि ये लोग फिल्म की सारी रील्स जलाने वाले हैं। क्या ये सच है? आप ये शुभ काम करेंगे? हाँ लाओ मुझे रील दो, जला के राख कर दूंगा, फिल्म को खा कर दूंगा, सर्दी में नाक साफ कर दूंगा। किधर है रील्स, किधर है रील्स, कुटे आए। सो मिस्टर राम बाबू, मेरा प्रोग्राम कैसे लगा? ये सिक्सर क्यों? बाहर का कचरा उठाकर कोई घर में लाता है क्या? तुम तो टीवी पर लेकर आ गए, यानी कि हर घर में लेकर आ गए। अगर अगली बार ऐसा कोई प्रोग्राम किया ना तो मैं ट्राई पर उठा के बेलपुरी निकाल। सॉरी सर, वो इमोशनल अत्याचार से मेरा दिमाग ऐसा सटका, आप पे फिजिकल अत्याचार हो गया। रियली सॉरी सर, आप इसे खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड समझकर भूल जाइएगा प्लीज। पता नहीं था तुम्हें ये टैलेंट भी है। मिस्टर राम बाबू, वेरी टैलेंटेड बॉय, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। क्या सर, अभी तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ। अरे ये बच्चा इतना तेज जो है, पहले से ट्रेंड है, काम पे लगा दो। इतनी तारीफ से तो इसका भाव बढ़ जाएगा, ठीक से ट्रेनिंग तो दे दो। काहे की ट्रेनिंग, ये तो इसी लाइन के लिए बना है। राम बाबू सर, अगर कभी बात करने का मन करे तो इसी तरह अकेले में आना। ओके सर, श्योर। पब्लिक के सामने बिल्कुल नो नो। बिल्कुल नहीं। ओके जी। मतलब समझ गए ना? श्योर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड जी। इसको ले जा, ले जाओ गंगा। अक्का, न्यूज वाले आए हैं, अंदर भेज दे। क्या रे, इंटरव्यू लेना है? जी हाँ। शुरू हो जा। सरोज देवी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। राजनीति में आने का आपका असली मकसद क्या था? जमाने जमाने से, युगों युगों से मर्द औरत को पैर की जूती समझता है। मैं उन मर्दों के खिलाफ लड़ रही हूँ। लेकिन लोगों का मानना तो ये है कि आप ये ढोंग एमएलए के टिकट के लिए कर रही हैं। बगावत क्रांति को रोक नहीं सकती, एक दिन औरतें सारी बंदिशें तोड़ के पूरी दुनिया पे राज करेंगी। इतिहास गवाह है, कई राजघराने औरतों की वजह से लुटे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बकवास है,
ये सब मैं नहीं मानती। मर्दों ने इतिहास बदल दिया होगा। लेकिन आज तो औरतों को काफी अहमियत दी जाती है। इतनी नहीं कि औरत मर्द को अपने पैर की जूती बना सके। मर्दों से इतनी नफरत है तो अपने पति से तलाक ले लो। आइला, तलाक लूंगी तो बच्चों का क्या होगा? उन्हें सुबह स्कूल कौन लेके जाएगा? परिवार का क्या होगा? कमा के दो वक्त की रोटी कौन खिलाएगा? घर का खर्चा कौन चलाएगा? इसका मतलब मर्द की जरूरत है। बिल्कुल है, लेकिन उसको नौकर की तरह रखने का। मर्द वही काम का है जो औरत के कंट्रोल में रहे। इतिहास देखे तो औरतें ही औरतों की दुश्मन रही हैं। आपका क्या ख्याल है? जा रे, हमेशा इतिहास की धोती पकड़ के झूलते रहते हो। तब मेरे जैसी औरत नहीं थी ना, इसलिए मर्द औरत पर अत्याचार करते थे। मैं होती ना, उन सालों का टेट को दबा देती। जब जब आपने मुंह खोला है तब तब आपने गंध फैलाया है, ऐसा लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगी? जिस गधे ने ये कहा है ना, उसे मेरे पास लेके आओ, अकल ठिकाने लगा दूंगी। सरोज दीदी, बोल। तंबाकू हानिकारक है। कोई नई बात कर। आपके पति इसके खाने से खुश हैं? ये तंबाकू अगर खुश नहीं हुआ ना, तो उसे छोड़ दूंगी। सरोज जी, एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि मर्दों की अकल ठिकाने लगाना आपका परम मुद्दा है, और ऐसा करके औरतों का उद्धार करेंगी। औकात पे आ गया। मैं अपने लिए नहीं कर रही, दुनिया भर की तमाम औरतों के लिए कर रही हूँ। सरोज जी, आखिरी सवाल। अब लगे हाथों हमें ये भी बता दीजिए कि आप मर्दों की अकल कैसे ठिकाने लगाएंगे। ये तब देखेंगे। बहुत हुआ, चल हवा आने दे। गुटखा और तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, हम सब जानते हैं। सरोज दीदी, औरतें आदमियों से बढ़कर हैं, ऐसा इनका मानना है। जो आदमी औरत की नहीं सुनता, उसे जीने का कोई हक नहीं होता। रिपोर्टर राम बाबू, न्यूज चैनल। ये क्या, सिर्फ अपना नाम ही बोला? मेरा नाम नहीं पता? नहीं पता? पता है ना, तो फिर से बोलो। हाँ, बोलता हूँ। कैमरामैन गंगा के साथ राम बाबू। आपका चेहरा तो कमाल है सर, कितना तेज है। रियली अमेजिंग, आपकी ट्रेनिंग को तो मान गई सर। थैंक यू सर, यू रियली चेंज माई लाइफ। मन करता है कि दिन में कम से कम एक बार मिलकर आपकी पूजा जरूर करूं। नो 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 नो, तुम दिल लगा के काम करो, मैं फेफड़े लगा के करता हूं। जितना कम मिलेंगे ना, उतना ही मिलने का और ज्यादा मजा आएगा। ओके, मुझे लग रहा है मुझे बाथरूम आ रही है, प्लीज मेरे चेले को ले जाओ। ओके सर। ओ, जाओ जाओ। निकल लो। कम ऑन राम बाबू, जाना। ओ, डेंजर है। कुर्सी पाने की लालच में इस बार जवाहर शिंदे ने सारी हदें पार कर दी हैं। पिछली बार शहर में एक के बाद एक हुए 12 रहस्यमय कत्लों के तार भी कहीं ना कहीं जवाहर शिंदे से जुड़े हुए हैं। मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। इन सबूतों के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। जवाहर शिंदे एक बड़ा गुनहगार है। हॉस्टल में दो जातियों में जो झड़प हुई थी, उसके पीछे भी जवाहर शिंदे का ही हाथ था। इसका सबूत इस पर रिकॉर्डेड है। ए, हॉस्टल में रहने वाली दोनों जातियों को लड़वा दो, अपने आदमी वहाँ भेज दो। कम से कम एक स्टूडेंट की मौत तो होनी चाहिए। टेंशन पैदा करो, लोगों को आपस में लड़ाकर हुकूमत करो। इनका काम है लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते रहो। इनका असली इरादा है कि किसी तरह सीएम को कुर्सी से हटाकर खुद सीएम बन जाओ, पर इनके इरादे कामयाब नहीं होंगे। मैं आगे भी इसी तरह इन्हें जानते हो ये कौन है? हाँ सर, ये देव नारायण है, मैं इनसे मिल चुका हूँ। क्रांति लाने के लिए स्टेशन पर पर्चे बांटता था ये। इसे देखते ही मैं समझ गया था कि इसमें एक जर्नलिस्ट छुपा हुआ है। इसका बेबाक रवैया देखते हुए कभी कभी मुझे फिक्र होती है कि कहीं से कुछ हो ना जाए। क्या रे, रस्ते पर खड़े होकर बात कर रहा था या टेलीफोन के खंबे पर? ये सब बातें कोई ऐसे करता है? चड्डी की साइज भी बता देता, सारा गुड़ गोबर कर दिया तूने। पता नहीं ये बातें रिकॉर्ड कैसे हो गई। इन मीडिया वालों को और कोई काम नहीं है, बातें रिकॉर्ड करना, टेलीफोन टैप करना, स्टिंग ऑपरेशन करना। साले, हम पॉलिटिशियंस को ये लोग कुछ गलत काम करने ही नहीं देते। हमें सरकार से डर नहीं लगता, पुलिस से डर नहीं लगता, लेकिन ये मीडिया वाले यमराज है, यमराज। बहुत हो गया, अब हमें अपना एक अलग न्यूज चैनल खोलना ही होगा। ओपोजिशन में रहकर इतना खर्चा करेंगे तो कहां से निकलेगा? हा? तो उसे मार डालो, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। हमने कुछ किया तो शक हम पर होगा। होने दे, हर जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए कि हम पर उंगली उठाने की सजा क्या हो सकती है। मेरा बेटा कहाँ है, आगे का काम वो संभालेगा। ठीक है जी। क्या रे, फिर से फोन करेगा? जवाहर शिंदे ने मर्डर करवाया अपने बेटे से, मीडिया वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़।
बाल सफेद हो गए लेकिन अकल नहीं आई भेजे में। उसके कान में जाके बोलना। ठीक है। राम बाबू ऊपर है? ऊपर मतलब अंदर है। तुम सब अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर। घर में ही तो है। राम बाबू क्या बना रहे हो? ऑमलेट बना रहा हूँ। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? भूख लग रही थी इसलिए बस आ गई खाने के लिए। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता तो है लेकिन सिर्फ एक ही आदमी के लिए। राम बाबू फ्रिज में बियर नहीं है। ये क्या हो गया? अरे हाँ रखी ही नहीं थी। मेहमान के लिए नहीं सोचते हो क्या? एक मंगवा लो मेरे लिए। तुम क्या बियर पियोगी? पहले सुनाई नहीं दिया क्या? मंगवाओ ना। आहा, छोटी बोतल या खंबा? ओह राम बाबू छोटी बोतल से तो गला भी गीला नहीं होगा। बड़ी बोतल मंगवाओ। ओहो सही जा रही है। चलो जल्दी। ओ मामा लड़के को भेज दिया है। तुम्हारे भी कान खड़े हो गए। सही है ठंडी भिजवाना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझ जैसे सीनियर के साथ शाम बिता रहे हो। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। राम बाबू आजी मुझे तुम पे बहुत गर्व है यार। तुम तो आते ही छा गए। तुम मेरे प्रोडक्ट जो हो। आज कोई ड्यूटी वूटी नहीं। कोई सीनियर जूनियर नहीं। नो टेंशन। फील फ्री। ओके फ्री हो जाते हैं। ऑमलेट थोड़ा चटपटा बनाना। हाँ ओहो तो आप चटपटे की शौकीन हैं। चटपटा तो हम भी नहीं छोड़ते। राम बाबू गंगा भाई अब तक तुमने कितनी लड़कियों को अपना दिल दिया है? आपको मिला के एक को भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे प्यार में कभी पागल हो सकते हो? मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो यार? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? गंगा भाई बात सुंदरता की नहीं है। तुम्हें ना हल्की सी मर्दानगी है गंगाराम की तरह। फ्रंट से तुम एक टॉमबॉय की तरह मैनली हो और बैक से तुम एक लड़की की तरह सॉफ्टली हो। असल में क्या है ना इस चक्कर में मन में एक डाउट सा आ जाता है। अब इस कंफ्यूजन को लेकर कोई तुमसे प्यार कैसे करेगा? ये लो तुम्हारा ऑमलेट। इसे यहाँ टिका दो। लेकिन मैं जानती हूँ काफी लड़के मुझ पे फिदा हैं। ये तुम्हारा वहम है कि गलत फहमी? मतलब आज तक तुम्हें किसी लड़के ने लव लेटर दिया है? नहीं। और क्या आज तक किसी ने आई लव यू बोलने की हिम्मत की? अभी तक तो नहीं। किसी ने फूल या चॉकलेट का डब्बा दिया? नहीं। किसी ने तुम्हें देख कर कभी आंख मारी? नहीं। तो किसी का दिमाग खराब है जो ऐसा करेगा? तुम ही बताओ गंगा जी। तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? तारीफ कर रहा हूँ ना तुम्हारी। यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन। कैमरा वुमन नहीं कैमरा मैन गंगा हो तुम। है किसी उल्लू के पट्टे में दम जो तुम्हारे पास आए? ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि तुमने फ्री होने को कहा था वरना तुम मेरा नेचर जानती हो। दैट्स ओके लेकिन मेरे दिमाग में कुछ कुछ बात आ रही है। कहां से आ रही है? ये बियर पीने के बाद तो सिर्फ नींद आती है। गंगा जी ये मुंह से निकल गया सॉरी। हां मुंह से निकल गया तो कोई बात नहीं। राम बाबू गंगा भाई मुझे अब थोड़ी सी शर्म आ रही है। मैं इसी की तो बात कर रहा था। शर्म बहुत जरूरी है। शर्म ही तो लड़की का गहना है। वही तो तुम्हें गंगाराम से गंगा बाई बनाएगी। जब करोगी शर्म तब खिलेंगे करम। अंदर कौन कौन है? कैमरामैन गंगा और अपनी राम बाबू। एक अच्छे पत्रकार की निशानी जानता है वो जो पॉलिटिशियंस और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करे। लेकिन क्या करें साला तुम लोग तो हम जैसे शरीफ लोगों के घपलों के बारे में ही सुबह से शाम तक लोगों को बताते रहते हो। कभी ये बताते हो कि पब्लिक हमारे साथ क्या कर रही है? तुम जानते हो कि पब्लिक खुद कितनी खतरनाक है? पता है हम जैसे मासूम पॉलिटिशियंस के साथ किस तरह के खेल होते हैं? अरे तुम्हें तो हम लोगों के पैर धोके पीने चाहिए कि हम ऐसी पागल पब्लिक के लीडर बनते हैं। पता है ना सत्ता में आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? लोगों के वोट लेने के लिए पैसे बांटने पड़ते हैं, साड़ियां देनी पड़ती हैं, बिरयानी के पैकेट, दारू की बोतलें वगैरह। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा भाषण सुनने के लिए वो बिना कुछ पैसे लिए आ जाते हैं? सारा उनके आने के लिए बस का इंतजाम करो। हर हरे घर के पैर छू बात करता है। सारे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई इस बार आपको जिताना है, आप देवता हैं, सारे आंसू बहाते हैं। एक एक घर में जाके पैसे दो फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वोट मिलेगा या नहीं।
काउंटिंग के दौरान टेंशन भेजे से उतरकर इधर इधर झूलने लगता है। कभी सोचा है कि पब्लिक की वजह से पॉलिटिशियंस को कितनी प्रॉब्लम होती है? बीपी हाई हो जाता है, शुगर लो हो जाती है और कभी कभी तो खुजली भी होने लगती है यार। उस टेंशन को खत्म करने के लिए दो चार मर्डर कर दिए, तीन चार स्कैम हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? दिन रात एक ही न्यूज को एडिट करके बार बार लोगों को दिखाकर पकाना और हमारा खून जलाना, ये कहां की इंसानियत है? हाँ? बात सुन, इतना सब होने के बाद भी पब्लिक सब कुछ भूलकर हमें ही वोट देती है और तुझ जैसे पत्रकार भौंकते रहते हैं। लोगों को अच्छे लीडर याद रहते हैं, दलाली करने वाले नहीं। हम तुम्हारे घिनौने काम जनता के सामने लाएंगे, तुम्हें बेनकाब करेंगे। उससे क्या होता है, आज के बाद तुझे कोई याद नहीं करेगा। याद रहेगी तो तेरी मौत। तेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के हर पत्रकार की रूह कांप जाएगी। हो सकता है मेरी मौत से लाखों लोगों के दिल दहल जाए, लेकिन अगर सिर्फ एक आदमी की भी सटक गई तो तू गया। ओ, ये भी देख लेते हैं, देखते हैं साला किसकी सटकती है। चाकू के काफी निशान हैं, बार बार घोपा गया है, बहुत दर्द सहा होगा, दर्दनाक मौत थी। ये किसने किया सर? इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये किसने किया सर? ये जवाहर शिंदे के बेटे ने किया है, मैं जानता हूँ। यहाँ मौजूद हर कोई जानता है, मीडिया वाले भी जानते हैं, लेकिन हम क्या करें? सब कुछ जानते हुए भी हम उसे छू नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप उसके खिलाफ केस फाइल कीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? अपने गेस्ट हाउस में। चलो रामबाबू, रामबाबू वहां जाने में खतरा है, हम फिर कभी चले जाएंगे। चलो बैठो। कौन हो, कौन हो तुम लोग? लोग कहते हैं तुमने जनरल नारायण को मारा है, क्या सच है? कौन है तू? उसको कब और कैसे मारा? तुझे क्या करना है? उसको मारा या नहीं? नहीं। तो तूने उसे नहीं मारा ना? ये बात पुलिस स्टेशन में बोल। चल। ए, मैं पुलिस स्टेशन किस लिए जाऊं? उछाल के बाहर फेंक दो। कौन से चैनल से? चलता है या नहीं? Hey, कैमरा बंद करो। सुना नहीं, कैमरा बंद करो। कैमरा बंद हो गया तो मैं ऑन हो जाऊंगा। करूं ऑफ? आकर अभी के अभी बंद कर। गंगा कैमरा ऑफ करो। सच जानना है, मैंने ही उसको मारा था। हा? क्या करेगा अब? मेरी सटक गई। सटक गई? सटक गई तो क्या उखाड़ देगा, क्या उखाड़ देगा, क्या उखाड़ेगा? एक मिनट रुक जाओ, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। क्या चाहिए तुझे? ऑन करो ना। देख, तू चाहता है मैं पुलिस स्टेशन चलूं, ठीक है ना? चल। अब चलता क्यों नहीं है? कैमरा ऑन रखना। दिल्ली में हुए इलेक्शन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इतने भारी बहुमत से विजय प्राप्त करना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि राम बाबू की कुछ। हेलो मामा, बाबा आपके साथ हैं? क्या तुम हमें लाइव करेंगे? टीवी देख रहे हैं। टीवी बंद कर दीजिए। मामा टीवी बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ। देर बाद वहाँ के हालात देख पाएंगे और आपको पता चलेगा। टीवी क्यों बंद किया रे? हाँ आप बोलो। थोड़ी देर पहले यहाँ रिपोर्टर आया था, राणा भाई को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। ठीक है रमन। क्या हुआ रे? कुछ नहीं, नारायण के केस के सिलसिले में राणा को पुलिस स्टेशन ले गए। स्टेशन काय के लिए? कोई रिपोर्टर राणा का इंटरव्यू लेने आया था, फिर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। मेरी रमन से बात हो गई है। रिपोर्ट दे मुझे। अब रहने दीजिए आप। दे। रहने दीजिए जी। अरे दे बोला ना।
गए मेरे बेटे को? इस तरह ले जाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये मीडिया का आदमी है, पुलिस वाला नहीं। तो फिर तूने टीवी क्यों बंद कर दिया था? मेरे बेटे का करियर चौपट करना चाहता है। राणा थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। राणा को छोड़, ये साला रिपोर्टर कौन है? कौन है, कौन है ये कुत्ते का पिल्ला? ये राम बाबू है। राम बाबू तू गया? राम बाबू कौन है यहाँ? बात सुनिए। राम बाबू कौन है? राम बाबू सामने आ कुत्ते। क्या रे फिल्म बनाएगा? छोड़ रे। ए राम बाबू सामने आ, तू आता है या मैं अंदर आऊ? क्या बैठ डर के बैठ गया क्या? ए राम बाबू डर। हे राम बाबू, मेरे बेटे राणा को पुलिस स्टेशन ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू मुझे जानता नहीं है, साले तेरा जीना हराम कर दूंगा। मेरे बेटे को छूता है तुझे और तेरे इस चैनल को अभी के अभी जला कर राख कर दूंगा। पूरे 10 साल तक सीएम रहा हूँ मैं, खुद को समझता क्या है? तेरे जैसे 2 कौड़ी के छोकरे बहुत देखे हैं मैंने। मेरे आगे बड़े बड़े लोग अपना सर झुकाते हैं। अंदर आइए, बैठ कर आराम से बात करते हैं। इस कमीने ने मेरे बेटे को छुआ और तू चाहता है कि मैं आराम से बात करूं? प्लीज आप शांत हो जाइए सर। क्यों शांत रहूं? तुम्हें जो टुकड़े देता है उसी के हक में बोलते हो और बड़ी बड़ी न्याय और ईमानदारी की बातें करते हो। प्लीज सर आप मेरे साथ आइए। आज से तुम्हारी सारी नौटंकी खत्म। प्लीज शांत हो जाइए। भले ही होगा तू चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या इस देश का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझ जैसे सर तेरे से तेरा पाला नहीं पड़ा। एक बार मेरा दिमाग सटक जाए तो एएम और पीएम नहीं देखता सीएम को धोने के लिए। मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत की? जानता है मैं कौन हूँ? जानता है मुझे तू? एम्बुलेंस बुलवाओ। ब्रेकिंग न्यूज, राम बाबू और पहले रह चुके सीएम के बीच गर्मा गर्मी। एक बार फिर से राम बाबू का नाम हर जगह छा गया है। अपने बेटे की गिरफ्तारी से जवाहर नायडू को ऐसा सदमा लगा कि वो पैरालाइज्ड हो गए। पूरे राज्य में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर तोड़फोड़ मचा रखी है और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राम बाबू, तुम्हारे लिए चीफ मिनिस्टर का फोन है। क्या? उठो। मेरे लिए? हाँ बाबा, एमडी ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है। कम, कम फास्ट। सीएम, सीएम सर का फोन है। सर। राम बाबू। जी सर। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। तुम जैसे लोग देश के भविष्य हैं। मीडिया को तुम जैसों की ही जरूरत है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? Who are you? सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा हो, जमीन पे पड़ा हुआ एक कोयले का टुकड़ा हो जिस पे मेरी नजर गई और मैंने हीरा बना दिया। पॉइंट पे आओ ना। पॉइंट पे ही तो आ रही हूँ। सीएम का फोन आया तो थैंक यू बोल के रख दिया, मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? टाइम कहाँ था? जैसे ही मैंने थैंक्स कहा उन्होंने फोन रख दिया। उन्होंने जब बेस्ट ऑफ लक कहा तो तुम्हें थैंक्स नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या बोलना चाहिए था? कि ये सब गंगा के बिना नहीं हो पाता सर। फिर वो पूछते गंगा कौन है? गंगा मेरी गुरु है, मैं जो हूँ उसी की बदौलत हूँ। मेरे बारे में बताना चाहिए था ना, थैंक यू बोल के फोन रख दिया। बहुत मतलब ही निकले तुम हो कौन? मेरे प्रोडक्ट हो ना? मैंने तुम्हारा टैलेंट पहचाना, हीरो की तरह तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया और तुमने मक्खी की तरह मुझे उड़ा दिया। दिन रात तुम्हें ट्रेनिंग दी, घस घस के चमकाया मैंने तुम्हें। गर्दन पे हाथ क्यों लगा रहे हो? मुझ पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मारोगे मुझे? हाथ हटाओ। हंस क्या रहे हो यार? सॉरी गंगा, रियली सॉरी। इस स्टार को जिसने सुपरस्टार बनाया, मैं शोहरत के नशे में उसे ही भूल गया। राम बाबू की गुरु गंगा है, ये बात चीफ मिनिस्टर साहब को तो पता चलनी चाहिए ना। अब क्या फायदा, पहले कचरा तो कर दिया ना। अब से जो भी होगा तुम हमेशा आगे रहोगे, मैं पीछे। ओके? मैं आगे रह के क्या करूंगी? मतलब तुम मुझे आगे रख के मार खिलवाना चाहते हो?
अरे ये क्या, तुम रो रही हो? ये हुई ना बात, तुम तो एक असली लड़की में बदलती जा रही हो। आहिस्ता आहिस्ता इमोशन निकल कर आ रहे हैं बाहर। मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ मैं। हाँ? बेकार में रुला दिया यार। मैंने कहा था ना मुझे अच्छे से देखो और सीखो, तुमने मुझे देखा ही नहीं ना, तो अब तो देखो। क्या हुआ, बिना ट्रेनिंग के आज तक कोई सीखा है जो तुम सीखोगे? हा? नहीं सर, मैं एक विशाल समुंदर हूँ, मेरे बूंद बूंद में टैलेंट है। हाँ, ट्रेनिंग के बाद ही तुम्हारे अंदर की गंगा और राम बाबू बाहर निकलेंगे। बिना बताए आ गया, चेहरे पे ये हल्का सा गुस्सा। आओ ना राम बाबू, ए चलो 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 तुम लोग निकलो, मुझे इनसे बात करनी है। आओ ना राम बाबू, आओ ना आओ, क्या बात है। मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उन नए छोकरों को बाहर भेज दिया। एक मिनट लेट होता तो मेरा कचरा हो जाता। अरे सर के तुसी ग्रेट हो, पर राम बाबू ये थप्पड़ क्यों मारा? ये प्रोग्राम था, तुम्हें मेरा एक भी प्रोग्राम पसंद नहीं आता, कम से कम एक प्रोग्राम तो देख लो। सिनेमा घर से अचानक गायब होते टिकट ब्लैकर, जिस तरह इंडिया से एक एक करके टाइगर गायब हो रहे हैं, उसी तरह ब्लैक करने वाले एक एक करके कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये किसकी गलती है। चलिए अपने प्रॉब्लम पर रोशनी डालिए। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती थी अपना धंधा एकदम जोरों पर रहता था सर, अब टिकट ब्लैक की जगह धूप में हम ब्लैक हो रहे हैं। अरे बोलना, ऐसा क्यों हो रहा है? साला मल्टीप्लेक्स के लोचे ने हमारे धंधे पर पोछा लगा दिया है। आज पब्लिक टिकट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है, इंटरनेट पे पहले टिकट बुक करके हमारी वाट लगा दी है, तो अपन लोग का क्या होगा? हमारे फैमिली को कौन खिलाएगा ये अपन को जानना है। ओके ओके, सारे टीवी सीरियल्स को सिनेमा हॉल में रिलीज करने का, ताकि औरतें सिनेमा हॉल में जाए और टिकट ब्लैक करके हम अपना धंधा करें। हमारी भी छोटी छोटी पत्नियां हैं सर। okay. हमारे भी बड़े बड़े okay. बच्चे हैं। कूल कूल, बैठ जाओ बैठ जाओ। बंटा पानी है क्या? साला गले की वाट लगा। लो पानी पियो। थैंक यू सर। तो आपने देखा क्या, इनकी खस्ता हालत के लिए सरकार जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है। क्या चिंदी फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। क्या मल्टीप्लेक्स में फिल्में रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, जिम्मेदार। ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, आपकी है, आपकी है। अपने दिमाग पर बोझ डालो, जागो इंडिया। ये कोई प्रोग्राम है? इसे प्रोग्राम कहते हैं? मुझे ऐसे ही प्रोग्राम करना अच्छा लगता है राम बाबू, उसी तरह जैसे तुम्हें ऐसे प्रोग्राम देख के मुझे धोना अच्छा लगता है। अब ये आदत तो मेरी जाते जाते ही जाएगी ना, तुम भी तो अपनी आदत बदल दो। मुझे तुम्हें चाटा मारना है, खींच के चाटा मारना है। मुझे मारोगे? मुझे डाउट है, डाउट है, लगाओ एक। तो इतना भाव क्यों खा रहे हो? जाओ दरवाजा बंद करो, गो ऐसे, जो करना है चार दीवारी के अंदर करो, जल्दी। जर्नलिस्ट नारायण के मर्डर में एक नया मोड़ आया। आज कलीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक ऐसे आदमी ने आकर सरेंडर किया जो खुद को नारायण का कातिल बताता है। पुलिस इस कत्ल की जांच में जुट गई है। मेरे प्यारे राज्य की प्यारी प्यारी भोली जनता, आज मेरा दिल रो रहा है, आंख से आंसू छलक रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ दिया, लेकिन बदले में देखिए मुझे क्या मिला। आपके सेवक को अपाहिज बना दिया गया। मेरा दावा है कि यह सब सीएम के कहने पर हुआ। मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। देख रही है मेरी प्यारी जनता, अपोजिशन में रहने की मुझे कैसी सजा मिली है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सच्चाई कभी किसी से हार मानती है? वो देखो मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बच्चा, मेरा राणा। आजा बेटा। पापा। राना रे। पिताजी। आजा। देख बेटा। डैडी। तेरे जाने के बाद आपको कुछ नहीं होगा। क्या हालत हो गई है? पापा आपको क्या हो गया? आखिर इन भोले भाले बाप बेटों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रूखी सूखी खाकर जीता, ये भी तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ? देखो क्या हाल किया इनका। लेकिन तू उदास मत हो ना, मैं भले मर जाऊं, तू सबकी सेवा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? ये लोग मुझे चीन है। आपको कुछ नहीं होगा। मेरी जान ले रहे, कुछ नहीं होगा, मुझे मार डालेंगे। लेकिन तुझे तुझे यहाँ की जनता की अच्छी तरह सेवा करनी होगी, उनके लिए जीना होगा, मुझे वचन दे। हाँ।
मेरा बेटा वचन देता है जनता की सेवा करेगा। हाँ, वो जनता संभाले खुद जी। ये वही है, सारी मुसीबत की जड़ यही है। ए, मुझ पे फोकस क्यों कर रहे हो? सारे कैमरे इस आदमी पर घुमाओ, सबको पता तो चले। हाँ ए, बेटा मेरी और तेरी इस हालत का जिम्मेदार यही है। मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने के बाद इसी ने उसके घिनौने प्लान को अंजाम दिया। ये सब एक षड्यंत्र है। ए, कितना पैसा दिया तेरे चैनल को, कितने में बिका? मैं बात करता हूँ पिताजी। ए, इस जाहिल मैकेनिक को चैनल में एंट्री किसने दी? ये कोई जर्नलिस्ट है? ए, आखिर तो हम लोगों से चाहता क्या है, हमारे पीछे क्यों पड़ा है? तूने और तेरे बाप ने ऐसा क्या किया जो तुम हम पे राज करो? सच बोलता है और हमेशा बोलूंगा। तुम दोनों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ए, इसकी अकड़ देखो, घमंड देखो इसका। कल के वाकये के बाद जवाहर शिंदे को सबकी सहानुभूति मिल रही है। सारे चैनल्स हम पे लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। बाकी चैनल से डरते हैं तो अपना चैनल बंद कर दीजिए ना। मैं करूं तो क्या करूं, हर पार्टी का अपना एक चैनल है और चैनल चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रूल्स और रिस्ट्रिक्शन, जरा मुझे बताएंगे क्या होते हैं? राम बाबू, इस रवैये से मुझे परेशानी हो रही है। ये बात तो ऐसा बोलो ना, सीधी तरह कहो ना, राम बाबू तुम्हारे रहने से मुझे परेशानी हो रही है, मेरा चैनल छोड़ के चले जाओ तो चला जाऊंगा। राम बाबू मेरी बात सुनिए, मैं मीडिया की एमएस समझता हूँ, जर्नलिज्म की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन एक बात बहुत चुभ रही है, सारे चैनल कुछ दिनों में नारायण की कुर्बानी भूल गए और आज जवाहर शिंदे के परिवार के लिए आंसू बहाने में लग गए हैं। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर, चलता हूँ सर। राम बाबू ये सोच के बहुत दुख हो रहा है कि तुम कल से चैनल नहीं आओगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा गंगा भाई। सच में? तो फिर क्या करें? अपनी बाइक लेके गैराज में आ जाना मेरे, मैं उसका पंक्चर ठीक कर दूंगा, बीच में गप्पे भी मार लेंगे। मैं तुम्हें चटपटा ऑमलेट फिर से बना के खिला दूंगा। मुझे अपनी सर्विस करने का मौका फिर से दे देना। हाँ क्यों नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ हाँ, जैसा तुम कहो। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, बाय। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है, ठंडा ठंडा बुखार आ रहा है। जिंदा इसलिए छोड़ दिया ताकि तुझे मेरी दहशत का एहसास हो सके। मीडिया के कुत्ते, साले तू महीने का उतना नहीं कमाता जितने की दारू मेरे पंटर लोग अटक जाते हैं। माइक और कैमरा हाथ में पकड़ के तू क्या खुद को हीरो समझ बैठा था? अपने बाप की हराम की कमाई पर पलने वाले तू मुझे जीने के तौर तरीके सिखाएगा? तू क्या कर सकता है मैं जानता हूं, पहले देख चुका हूं तुझे। तेरी नाप का गड्ढा खुदवाने के लिए आज इनको लाया हूं मैं। तेरी नाप का गड्ढा खोदने के लिए मैं अकेला काफी हूं बे, तुझे तोड़ा तोड़ा के मारूंगा साले। ओए, तू अपने साथ 10, 20, 100, 200 जितने मर्जी पंटर लेकर के आ, सिर्फ 4 को मैं छोड़ूंगा, बाकी सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। और वो 4 सिर्फ इसलिए छोड़ूंगा ताकि वो तेरी अर्थी को कांधा दे सके। चाहे तू 4 के हाथों मरे या फिर 40 या 50 के हाथों, मरेगा जरूर। तूने मेरा मजाक बनाया था ना, मैं तेरा चुटकुला बनाऊंगा। कैमरा ऑन कर बे।
इसकी मौत हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। देख मैं ये चूहे बिल्ली के खेल से बोर हो गया हूं। आ इधर आ, उधर खड़ा हो, चलना। तुझे मैं पागल लगता हूं? हाथ में रॉड है फिर भी मैं तेरे पास आऊंगा? पहले उसे वहां रख। हम तो मीडिया के कुत्ते हैं, तेरे पंटर उतने की दारू पीते हैं जितना हम कमाते हैं, है ना? ओए, हमारी जिंदगी तुम पर निर्भर नहीं लेकिन तुम्हारी जिंदगी हम पर निर्भर है। अगर हम तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दें, तुम्हारे बारे में बात करना बंद कर दें, टीवी में तुम्हारी गंदी शक्ल दिखाना बंद कर दें तो क्या होगा? गायब हो जाओगे तुम, कुत्ते की तरह जमीन पे पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। हाँ तो क्या होगा? माना तो 200% सही है, मैं मीडिया को अपने से ज्यादा ताकतवर नहीं मानता। मैं इस मीडिया को बना सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। इसलिए आज एक वादा करता हूँ, इसी मीडिया को इस्तेमाल करके आम लोगों को कठपुतली की तरह नचाऊंगा। इसी मीडिया का इस्तेमाल करके एक दिन मैं CM बनूंगा और तू ताली बजाएगा। मीडिया कोई तेरे इशारों पर नाचने वाली 2% की तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है, तवायफ नहीं है। देखता हूं कैसे CM बनता तू। राम बाबू अब कैसा है? ठीक है, लेकिन मैडम ने अंदर जाने से हमें मना किया है। मैडम मतलब कौन? स्मिता मैडम ने। कौन स्मिता मैडम? स्मिता मैडम। अंदर आने से मना किया था, बिना पूछे अंदर कैसे आ गई? मैं गंगा हूँ। यहाँ क्यों आई हो? मैं राम बाबू से मिलने आई हूँ। ये सब लोग भी राम बाबू से ही मिलने आए हैं। बाहर जाओ, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। प्लीज प्लीज वेट आउटसाइड। अरे ये यहाँ क्या कर रही है चाचा? ये तो दूसरे चैनल की है ना? तुम यहाँ से आउट होते ही ये यहाँ इन हो गई। कल रात राम बाबू पे किसी ने हमला किया और इसने उन्हें बचाया। तो क्या हुआ, उसने राम बाबू को खरीदा तो नहीं है ना? अरे उसने मुझे बाहर निकाला। राम बाबू क्या उसे इतना प्यारा हो गया? वो उसे ठीक कर देगी। हाँ, बढ़िया ही नर्स बनके उसके पास बैठने वाली। तुम सब कौन हो? मुझे छोड़कर सब बाहर वाले हैं। बाकियों को यहाँ से बाहर निकालो। चलो चलो प्लीज गो। ओके मैडम। खुद को समझती क्या इसकी तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है चाचा? जो भी हो रहा है उसकी भी तुम्हें आदत पड़ जाएगी। क्या यार? हाँ यार। जीजा जी, लोगों को हमसे बहुत हमदर्दी है, अपने राणा की भी खूब डिमांड है। यही सही मौका है, राणा को लॉन्च कर देते हैं। धूम धाम से लॉन्च करो, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मेरा बेटा जहां भी जाए उसके आसपास लाखों लोग होने चाहिए। तुम किसी
बॉबी का जिक्र कर रहे थे वो आ गया क्या? हाँ। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। आपने पुकारा और हम पैर से चले आए। जीत पक्की है, मैं जो साथ हूँ। सर, सीएम पोस्ट एक फिल्म है जो 5 साल तक हाउसफुल होनी चाहिए। पब्लिसिटी नहीं तो कुछ नहीं। छोटे सर के बड़े पोस्टर्स लगाएंगे। सुनो बेटा, तुम किस दिन कम टल्ली होते हो बता देना, अगले दिन फोटोशूट रखेंगे। ये लटका हुआ थोबड़ा नहीं चलेगा। जिस तरह तुम्हारे डैडी नौटंकी करते हैं उसी तरह चालू लुक चाहिए। तुम्हारी एक तस्वीर उतारेंगे, उसके ऊपर हार डाल देंगे। तुम्हें मरा हुआ समझकर लोग धपाधप वोट डालेंगे। सुंदरी, ये डेथ बॉय का बर्थडे कब है? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद तो बहुत बाद हो जाएगा। अगले हफ्ते शिफ्ट कर दो। इसे पॉलिटिक्स का केक खिला देंगे, मस्त ढिंचैक गाने बजवाएंगे और इसे आइटम सॉन्ग के कपड़े पहनाकर नचवाएंगे। मीडिया को मैं बुला लूंगा, थोड़े पैसे मिलेंगे। इसका क्रियाक्रम सीएम बनाने का शुरू करता हूँ। बाहर वर्मा से पैसे ले ले। थैंक यू सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। घूम गया सर। राणा, यहाँ हर नेता आंदोलन करके ही आगे बढ़ा है। जितना बड़ा आंदोलन होता है आप उतने ही बड़े लीडर बनते हैं। मेरा इशारा समझो। स्मिता जी, मैंने चैनल की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि ना तो मैं अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ ना ही पीछे हट सकता हूँ। आपके चैनल में भी यही स्टोरी होगी। तुम आ जाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, कोई नहीं रोकेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अपना चैनल समझ के काम करो। शायद तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई नीड योर ऑटोग्राफ एक्चुअली। क्या अभी? हाँ सीरियसली। रुकावट के लिए खेद है, वो दोनों अंदर बैठे हैं। दोनों मतलब? स्मिता मैडम और राम बाबू, जरूरी मीटिंग चल रही है। वो अब तक गई नहीं? हो सकता है कल रात होते होते हमें भी फुटा दे। अभी देखती हूँ। देखो। थैंक्स। हे गंगा, स्मिता जी, गंगा, गंगा, स्मिता जी। हाय। जरा बाहर जाओगी? मुझे इनसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे बाहर जाना चाहिए, बाद में। अरे रुकिए 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 स्मिता जी, आपको ये किसने कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा, इन्हें लगता है हमारा चक्कर चल रहा है, समझाओ ना इनको। दिमाग खराब है मेरा। मैंने सुना तुम्हारे पैरों पर चोट लगी है, सर पे किसी ने मारा है, बस तुम्हें देखने आ गई। यहाँ आके पता चला तुम तो बिल्कुल ऐश कर रहे हो, बस यही देख के दिल खुश हो गया। देखो, मुझे लगता है कि ये तुम्हें कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, बाद में। स्मिता जी प्लीज बैठो ना। बैठो ना स्मिता जी, वहाँ क्यों, इसके गोद में बैठ जाओ। आप स्मिता जी हो जो चाय कर सकती हो। ये जल्दी वापस कर देना। चाचा, 28 नंबर का पाना है क्या? हाँ ये लो। इसकी तो मैं। अरे गंगा, ये किस पे इस्तेमाल करने वाली हो? वही जो अंदर बैठी है चाचा, वो कोई मामूली औरत नहीं है। एक नंबर की चालू है वो, सिल्क स्मिता। देखा किस तरह के कपड़े पहनती है? नहीं देखा। मैं भी मीडिया वाली हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। शरीफ लड़की हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल हो। डायन कहीं की, जब तक वो मेरे साथ था उससे एक खरोच भी आई थी? नहीं नहीं। थोड़ी सी दूर क्या हुई, घायल हो गया वो। स्मिता ने उस पर काला जादू किया है। स्मिता जी, चैप्टर कहीं की। हाँ हेलो बॉबी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, चले कैसा है तू? पहले से अच्छा हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप ही की बदौलत हूँ सर। ज्यादा पका मत, वैसे तेरे प्रोग्राम्स आजकल बहुत थकेले होते जा रहे हैं। क्या कहा है? अब तुझमें वो पहले जैसी आग नहीं रही। वो क्या नाम है तेरे प्रोग्राम का? हुआ अंधेरा, यही नाम है ना? तेरे कान के नीचे बत्ती जलाऊं क्या? ऐसे प्रोग्राम करता रहेगा तो लुटिया डूब जाएगी। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है सर। हमारे चैनल में जो राम बाबू था ना, उसने आपका चैनल ज्वाइन किया है। मेरा गाइडेंस चाहिए होगा, राम हो या श्याम, अरे कुछ सीखना है मुझसे काम। सर शुरू के 2 दिन आप उसे ट्रेनिंग देना। मैं ट्रेन करूं? अरे उसकी बत्ती गुल हो जाएगी और फ्यूज 13 उड़ेगा। सर दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। ओके ओके, अब तुम भीख मांग रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसे आने दो। थैंक यू। हाय। हाँ कैसी हो? बॉबी सर, दिस इज राम बाबू। ठीक है ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। जरा जल्दी आना। कम ऑन माय बॉय, सिट। एसआरके ने तुम्हारे बारे में बताया, मैं उसका गुरु हूँ, बचपन से ही शुरू हूँ। मीडिया में सिर्फ भोंकने से काम नहीं चलता,
भेजा यूज करना पड़ता है। भेजा है या कहीं भेज दिया? लेकर बच्चे, आखिर वो दिन आज आ ही गया जब जवाहर शिंदे इस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगे। '47 में जन्मे जवाहर शिंदे का एक आंदोलनकारी इतिहास रहा है। अपने आंदोलन के शुरुआती दिनों में उन्होंने तेलुगु बचाओ का नारा लगाया। पर ये तो अभी सीएम बने नहीं है, तो ये सब दिखाने का क्या मतलब है? अगर वो सीएम बने तो ये चलाएंगे, अगर उन्हें पद्मश्री मिला तो दिखा रहे कौन सा चलाएंगे। एक बार फिर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संघर्ष के उनके लंबे इतिहास की वजह से केंद्र सरकार ने उन्हें अगले हफ्ते पद्मश्री देने का फैसला किया है। बस बहुत हो गया, अगर जवाहर शिंदे टपक जाए तो इधर आ, उसका एक पैर कब्र में लटका हुआ है, दूसरा केले के छिलके पर है। अगर वो फिसल गया तो वो प्रोग्राम भी दिखा दे रहे। गरीबों और किसानों की आवाज आज शांत हो गई। हमारे प्रिय नेता जवाहर शिंदे के इस दुनिया को छोड़ते ही पूरे देश में मातम छा गया। ऐसा कोई नहीं है जो उनके लिए आंसू नहीं बहा रहा हो। कैसा लगा है? बाप हूं ना मैं। बच्चे की जान लेगा क्या? बच्चे की जान? तुम तो बहुत टैलेंटेड निकले यार, तुम्हें तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। आज के बाद ये नौटंकी नेशनल टीवी पर दिखाई ना, लाइव नंगा करूंगा तुझे, लाइव, समझा? अब तक तो गालों पे पूरा पंजा छप गया होगा। हेलो, क्या हाल है सर? कैसा होना चाहिए? सिर्फ बढ़िया। राम बाबू ने ज्वाइन कर लिया ना, उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? बेचारा एकदम खुदा की गाय है। क्या? अहिंसावादी। ऐसा? सर, आपका एडिटर मेरा दोस्त है, मुझे मैसेज मिल गया, आपके साथ क्या हुआ सर? हाँ? अबे भाई टोपी इधर आ। जी सर। क्या रे, व्हाट्सएप पे बहुत मजा आता है ना? हंसता है ही, तेरा फर्नीचर बेच दूंगा रोलेक्स पे। चीयर्स। किस बात के लिए चीयर्स चाचा? पहले मैं खुशी खुशी पिया करती थी, आज दुखी होके पी रही हूँ। अरे फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा गंगा। चाचा जी वो नागिन है, इस विस्की की तरह उसका जहर राम बाबू के ऊपर चढ़ गया है, और आप बोल रहे फिक्र नहीं करो। अच्छा अच्छा पियो। एक बात बताइए, मैंने पहले उससे लव किया था ना, तो ये बीच में क्यों आई? विलन वाली हरकत है ना। तुम्हें क्या है ना कि छूट नहीं देनी चाहिए थी। करेक्ट बोला आपने। जब जब हम बाइक पर जाते थे हम दोनों के बीच में कैमरा किट रख देती थी मैं, उसी की सजा मिल रही है मुझे। सही कहा तुमने, वरना आज हमारा रिश्ता कहां पहुंच गया होता। एक काम करो, उससे बात करके फिर से चैनल ज्वाइन कर लो और राम बाबू के साथ रहो। ये क्या कह रहे हो आप? गंगा हर दिशा में नहीं बहती, उस दिशा में तो कभी नहीं, नेवर। क्या है कि मैं पीने के बाद ज्यादा ही डूब रहा हूँ, क्या वो इतनी डेंजरस है? सांप है सांप। ओ। औरत के भेस में सेक्सी नागिन, उसका मेकअप, उसकी मैचिंग ड्रेस, उसका लो नेक ब्लाउज, ये सारे हथियार हैं उसके। ओहो। पियो। नागिन की गाड़ी यहाँ? नागिन डसने के मूड में लग रही है। कोबरा भी उसके साथ ही है। डुएट गाने आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है। पहले आई है? हाँ हर हफ्ते आती हूँ। चाचा हाँ। देखो कैसे मटक रही है। अच्छा। It's a different place, right? Yeah, very different. यहाँ बैठते हैं। Let's sit. Thank you. Do you like it? हाँ हाँ। चलो आंखों देखा सुनते हैं आराम से। राम बाबू, क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की से प्यार किया है? बोलो ना, गंगा से प्यार करता हूँ। नहीं कभी नहीं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। मुझे लग ही रहा था तुमने भी किसी से प्यार नहीं किया होगा। क्या तुम्हें लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है? आशिक तो कहीं भी मिल सकता है। अभी तक नहीं मिला, मैं पहले की तरह अभी भी सिंगल ही हूँ।
I like gutsy guys like you. तुम क्या कहते हो? हाया चाचा, ओपन ऑफर दे रही है, बता रही है ये दोस्त को. चलो चलो उठो, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो. नहीं चाचा. अभी अभी तुमने जो मुझसे कहा वो अगर राम बाबू को कहोगी ना तो वो नाराज हो जाएगा. उनको जरा तुम देखो कितने अच्छे से कह रही है, तुम नंबर वन लड़के हो, गटसी हो, मुझे तुम पे नाज है. तुमने कभी कहा ऐसा उससे? मेरे पैसे की पी के उस नागिन को सपोर्ट कर रहे हो? मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ. मेरा तजुर्बा कहता है कि अब तक उन दोनों ने एक दूसरे को किस भी कर दिया होगा. सच में? हाँ बिल्कुल. You know what? I like you so much. हो गया छोटे सर, लोग इंतजार कर रहे हैं. पी लूं तभी तो बोल पाऊंगा, बाकी बाद में. चला राणा बाबू जिंदाबाद, 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 राणा बाबू जिंदाबाद. आज मुझे पता चल गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है. अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चला. आंखों के सामने ये जन सैलाब देख के मैं समझ गया कि यहां के लोग मुझे कितना चाहते हैं. आपकी तरह मैं भी इस पवित्र मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूं. कसम इस प्रदेश की, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है. ईश्वर को साक्षी मान के मैं प्रण लेता हूं, आज के बाद राणा जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो सिर्फ आपके लिए. भाइयों, बस आज के बाद ना तो कोई आंसू बहाएगा और ना ही कोई खाली पेट सोएगा. जब तक इस राज्य के हर एक भाई और बहन को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मैं दिन में सिर्फ एक बार अन्न ग्रहण करूंगा. जी तोड़ मेहनत करना, दिन रात एक करके अपने परिवार को पालना, फिर भी आज हम भाइयों के घर में खाना नहीं है. कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन? दूसरे राज्य से आए हुए लोग जो हमारे राज्य को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं, उन बिहारियों को, उत्तर प्रदेशियों को, पंजाबियों को, बंगालियों को और भी कईयों को मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं. स्कूल, मंदिर, होटल, दुकान, बड़ा पाव के ठेले सब उनके हैं. ये लूट मार कब तक चलेगी बताओ? कब तक? अब्बास, जो हमारी जमीन को लूट के खा रहे हैं, इन लुटेरों को धक्का मार के निकालो. नहीं चाहिए हमें बिहारी टैक्सी वाले, नहीं चाहिए हमें यूपी के सब्जी वाले, नहीं चाहिए हमें पंजाबी ढाबे. मारवाड़ियों का धंधा चौपट कर देंगे और कुछ राज्यों को निकाल फेंकेंगे. ये राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारा है. ये राज्य सिर्फ हमारे बच्चों का है, इस पर उन्हीं का हक है. अगर हमारे राज्य में कोई बाहर का आया तो हम उसे काट कर फेंक देंगे. आपके हक के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो कोई गम नहीं. आप सब तैयार हैं? नमस्कार सर. सर, हमारी रिपोर्ट पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ज्यादा पक्की है और सबूतों के साथ है. इनमें उन जगहों की फोटो हैं जहां पर लोगों पर जातियां हो रही हैं. आप जितना सोच रहे हैं हालात उससे 10 गुना ज्यादा सीरियस हैं. सरकारी आंकड़े अगर 10 की मौत बताते हैं तो असलियत में 100 मारे जाते हैं, और अगर 100 की मौत बताते हैं तो हकीकत में 1000 हताहत होते हैं. पड़ोसी राज्य के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पर हमला करके उन्हें लूटा जा रहा है. माएं अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हैं. ये कोई आंदोलन नहीं, अराजकता है. इस फाइल में हमने वो जानकारी दी है जो हम जर्नलिस्ट ने दिन रात एक करके इकट्ठी की है. प्लीज टेक इट एज अ कंप्लेंट. आपसे रिक्वेस्ट है कि एफआईआर दर्ज करवाइए और राणा को गिरफ्तार करवाइए.
मुबारक हो बेटा, तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकल गया। हम लोग मंदिर में 51,000 नारियल चढ़ाएंगे। अब जल्दी से तुम अपने गेस्ट हाउस में पहुंच जाओ। मैं पहले से यही हूँ पापा। तू सीएम बनने वाला है। तू जब तक जेल में रहेगा मैं सारे राज्य में आग लगा दूंगा। राज्य के आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया है। पॉलिटिशियन राणा के खिलाफ वारंट निकला है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा पापा को बोल रहा हूँ, उसको जरा यहाँ भेजना। पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री कैसी लगी? एकदम घटिया तेरी तरह। तुम बार बार मरने की बात कर रहे थे ना, इच्छा जल्दी पूरी होगी। hey, मैं कोई मामूली लीडर नहीं हूं, तुम उससे चूं तक नहीं कर सकता। तेरे और मेरे बीच में लाखों लोग खड़े हैं। वही लोग तेरी मौत की वजह बनेंगे। अच्छा, तेरी ये वार्निंग्स और वारंट तो मेरे लिए लकी साबित हुए। तूने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है ना, जानता है मेरे कितने काम आएगी। कुछ ही देर में पुलिस यहां पहुंच जाएगी। तू सोच रहा होगा मैं चुपचाप अरेस्ट होकर वैन में बैठकर चला जाऊंगा। यहां से जेल तक मैं जाऊंगा तो, लेकिन पद यात्रा करते हुए कम से कम 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। रास्ते पर लोगों का हुजूम छाया होगा मेरे स्वागत के लिए। सारे राज्य का कारोबार आज मेरी वजह से ठप पड़ जाएगा। टीवी पर, हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही एक शख्स छाया होगा। क्या सोच रहा है तू? अगर तुम मीडिया वाले मेरे बारे में ना लिखो, मुझे टीवी पर ना दिखाओ, तो क्या मैं गायब हो जाऊंगा? अबे तेरे में दम है तो जाके बोल दे कि मुझे टीवी पर ना दिखाएं। अबे नमूना नमूना, नमूने से ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं हो। सालों तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम सब मेरे रहमो करम पर हो। काफी लंबा भाषण दे रहा है, बाकी का चल के पुलिस स्टेशन में देना। हाँ तो चल। शिंदे को जब पुलिस अरेस्ट करने पहुंची तो वो पैदल ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। जी सर जी, प्रोग्राम चालू हो गया है। दारू घटकी है और मजा लीजिए। गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता, गरीबों का अन्नदाता। इसके बाद अगले चौराहे पर औरतें राणा की आरती उतारेंगी। राणा बाबू लगता है ये राणा अपने बाप से भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। The politics of this state has taken a murky turn. Civil movement seems to be carried. Rana Shinde to the CM's throne. Shagufta Beg, NDTV, Hyderabad. राजनीतिज्ञों का कहना है कि इस मूवमेंट का नतीजा बाय इलेक्शन ही होगा। बॉल कार्डोस के साथ आज तक। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या औरत हो, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, राणा बाबू, राणा बाबू। देखा आपने जीजा जी, लोगों में गलत फहमी पैदा करके राणा ने करोड़ों लोगों को अपना बना लिया है। ठीक कहा ना मैंने? सर बताइए, आज के इस दौर में राणा बाबू ने जो हंगामा खड़ा किया है, इससे अलग अलग राज्य के लोगों पर जो यहाँ रहते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप बता सकते हैं कि राणा बाबू ने जो कदम उठाया है वो ठीक है या नहीं? हाँ करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ये आंदोलन कब का शुरू हो जाना चाहिए था? हमारे यहाँ वैसी एकता नहीं है जो बाकी राज्यों में है। दूसरे राज्यों में देखा है, वो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, भाषा से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, देश पे गर्व करते हैं, और हमारे राज्य में जात पात पे लड़ते हैं, मिट्टी पे लड़ते हैं, ये कोई समझदारी नहीं हुई। इस आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। तुम मीडिया वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस आंदोलन का साथ दो, इसे दबाओ मत। प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, फॉर गॉड्स सेक प्लीज। अरेस्ट होने से पहले मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। राणा, इससे मत उलझो। अगर तुम्हें तेलुगु लोगों की सच में परवाह है तो मुझसे बात करो। राणा, चलते रहो। ए! क्या कहा? तू चाहता क्या बे? इस प्रदेश की जमीन को तुम अपनी माँ की तरह समझते हो? अगर मेरी माँ मुझसे कहे तो मैं अपनी जान तक भी दे दूँ।
क्या तुमने अपनी इस माँ को देखा है? ए, क्या कहा? सवाल पूछने की तमीज नहीं है क्या? जैसे ये जमीन हमारी माँ है, वैसे ही बाकी राज्यों की भी माँ होगी ना? अबे माँ तो सभी की होती, पता नहीं क्या? यानी तुम्हें बाकी राज्यों की माँ से नफरत है? हाँ नफरत है। अच्छा, अगर किसी वजह से तमिलनाडु पर बुरा वक्त आ पड़ा तो तुम उसकी मदद करोगे या नहीं? मुझे क्या पता? इसका मतलब हमारी माँ को तमिल की माँ, गुजरात की माँ, पंजाब की माँ, बंगाल की माँ से नफरत है। तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ या ना? नहीं बोला ना। नहीं पता तो फिर लोगों को लड़ा क्यों रहे हो? क्या ये सारी माए भारत माँ की सौतेली बेटियां, पत्नियां, सौतेली बहने? आपस में लड़ा रहा है ये सबको। हट, तू मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। जिस इंसान को बाकी राज्यों की कदर नहीं, उसे तिरंगे को सलाम करने का भी कोई हक नहीं, जन गण मन गाने का भी अधिकार नहीं। गद्दार है तू। तू कौन है बे? हाँ, ये मेरा देश है, मैं जब भी चाहे जनगणमन गाऊंगा और झंडा लहराऊंगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। अगर तुम्हें किसी की माँ की इज्जत नहीं है तो हमारे देश की इज्जत भी नहीं है तुम्हें। तुम्हें देशद्रोही हो। मुझे कंफ्यूज मत कर, मुझे कंफ्यूज मत कर, मुझे उलझा मत। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ? हाँ। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ? हाँ। ठीक है, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ। जल्दी कर। तुम्हारा भाई अमेरिका में बिजनेस करता है कि नहीं? करता है। तेरा सिंगापुर में 5-star होटल है कि नहीं? है तो। सिक्किम में पावर प्लांट और कश्मीर में एप्पल फार्म है कि नहीं? वो मेरा पर्सनल मामला है। हाँ, अब ये पर्सनल हो गया। तुम कहीं भी किसी तरह बिजनेस करके पैसा कमाओ, वो पर्सनल है। लेकिन कोई अगर बिहार से आकर यहाँ धंधा करे तो वो गलत है। कोई गुजरात से आके कपड़े की दुकान खोल ले तो वो लूटमार हो गई। अब बता, तेरा ड्राइवर मराठी है, तेरे बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर बंगाली है, 2400 घंटे तेरे टूटे बाप का ख्याल रखने वाली, उसको दवाई खिलाने वाली नर्स मलयाली है कि नहीं? अपनी मर्सिडीज में जब पिछवाड़ा टिका के निकलता है और 2 पैग लगा के जिस ढाबे पर चिकन पारता है वो ढाबा पंजाबी का है। जब किसी भी राज्य में सूखा या बाढ़ की नौबत आती है तो सारा देश इकट्ठा होकर उस राज्य की मदद करता है और तू उन्हें अलग करना चाहता है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात है राम बाबू, कमाल कर दिया, क्या बात है राम बाबू, कमाल कर दिया। अरे नहीं नहीं, अब तक के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया इसने। आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। सुपर राम बाबू, सुपर, क्या बात कही, सुपर। क्या अब भी हम तुम्हें नमूने लगते हैं? आज तुम दुनिया के सबसे बड़े नमूने लग रहे हो। ए, कल तू बहुत बोल रहा था ना कि तेलुगु राज्य तेरी माँ जैसा है और मेरा भाई गद्दार है। अब देख तुझे गद्दार बोलने की क्या सजा मिलती है। ए, ऐसे क्या देख रहा है रे मुझे? क्या मेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा? आज तुझे महिलाओं के आतंक से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। पिछले जन्म में तू जरूर स्वरूप नखा जैसी चुड़ैल रही होगी। अगर मुझे 2 खून माफ होते तो उसमें पहले तेरा करता। अगर औरतों और मर्दों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की तो दुर्गा के मंदिर ले जाकर तेरी बलि चढ़ा दूंगा। निकल, निकल। वन, टू, थ्री, गो। हाय, दिस इज गंगा। हाँ, उस दिन मुलाकात हुई थी। बताओ क्या काम है? वो क्या है मैडम, मैं 10 सालों से चैनल 1 में काम करती आई हूँ। तुम्हें निकाल दिया गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ जॉब दे दें तो मैं कल से यहाँ आ जाऊँगी। पर क्यों, क्या तुम अपनी सैलरी से खुश नहीं? हाँ वही बात है, लेकिन यहाँ तो हम उससे भी कम पैसे देते हैं। चलेगा? तुम पागल तो नहीं हो? क्या उठपटांग बातें कर रही हो? वो राम बाबू यहाँ काम करता है ना, मैं यहाँ आ जाऊंगी तो हम फिर से टीम की तरह काम करेंगे। पर उससे क्या होगा? कैमरामैन गंगा के साथ राम बाबू, लोगों को हमारी जोड़ी पसंद थी, सब हमें फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। गंगा, यहाँ हर कोई राम बाबू को देखना चाहता है, तुम्हें नहीं। प्लीज मैडम जी। देखो गंगा, राम बाबू यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, प्लीज यहाँ से जाओ। तो आप नौकरी नहीं देंगी? नहीं। तू क्यों नौकरी देगी मुझे चुड़ैल? क्या कहा? तू तो मुझे उससे दूर रखना चाहती है। नागिन है तू, नागिन, निकल जाना चाहती है तू उसे। hey!
के जा रही हो? अच्छा, आधी रात को अपनी कार को चाय की टपरी पर रोकने का क्या मतलब होता है? हा? मैं जानती हूँ तो कैसे लोगों को अपने वश में करती है। तुझे क्या लगता है मैं खबर नहीं रखती? मैं कैमरामैन गंगा हूँ, तेरे एक एक फ्रेम का मेरे दिमाग में रिकॉर्ड है। तुझे मेरा राम बाबू चाहिए? पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला काले ड्रेस में काली नागिन? हे, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ए, अगर उसके साथ कहीं लंच डिनर या चाय पे नजर आई ना तो चाय में जहर घोल के पिला दूंगी। मैं भी नागिन का कोर्स कर रही हूँ। हे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। हाँ सिक्योरिटी, क्या डिफेंस मिनिस्टर को बुला ले, मैं नहीं डरती। गेट लॉस्ट गंगा, बाहर चली। मैं तू गेट लॉस्ट, बाहर चली। मैं जल्दी बाहर लेके जाओ कैमरामैन। गेट लॉस्ट, नागिन कहीं की। मेरा सामान लेके आओ, आज से मैं यही रहने वाली हूँ। यही रहने वाली हूँ मतलब? हेलो, हाँ स्मिता जी। स्मिता जी क्या हो गया? स्मिता जी बताइए तो सही। अरे ये क्या बे, फालतू का इमोशनल ब्लैकमेल करके नाटक कर रही है। आज के बाद अगर राम बाबू को फोन किया ना तो तेरा नंबर लोकल ट्रेन में लिखवा दूंगी। रख। गंगा, स्मिता जी से तेरा बात करने का तरीका बिल्कुल गलत है। जी, उसका तो अब मैं मर्डर कर दूंगी। हे राम, हे राम। जानते हो वो कौन है? नागिन है वो। गंगा भाई प्लीज, मैं स्मिता जी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता हूँ, प्लीज मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। जानती हो कितनी अच्छी है वो? अच्छा, कितनी अच्छी है? वो अपने से ज्यादा अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में सोचती है। अरे इंसान तो इंसान, जब उनके कुत्ते को चोट लगी तो उन्हें दो दिन खाना नहीं खाया। अपने जन्मदिन पे अनाथ आश्रम में जाके लोगों को मिठाइयां और खाना खिलाती हैं। और इतनी अच्छी स्टिल फोटोग्राफर भी तो हैं। कभी उनकी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन देखा है तुमने? फोटोग्राफर तो मैं भी हूँ राम बाबू, लेकिन मेरे मन की फोटोज देखने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गंगा भाई बुरा मत मानना, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं आम बोल रहा हूँ, तुम इमली समझ रही हो। स्मिता जी के बारे में तुम्हें खास बात बताता हूँ, अगर बरसात में ज्यादा बारिश हो जाए तो भी उनके आंसू निकल आते हैं। वो तो चाहती होगी कि बाढ़ आ जाए और मैं उसमें बह जाऊं। इसमें भी उसकी कोई साजिश है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती। एक नागिन यही करती है, अपने वश में करने के लिए फन फैलाती है। गंगा, गंगा, गंगा भाई, अरे तुम तो औरतों की तरह रोने लगी, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे रे 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 रे, देवा रे देवा, अगर तू मुझे पहले बताती तो कुछ हो भी सकता था। अब क्यों नहीं हो सकता? मैं और स्मिता अब काफी क्लोज आ गए हैं। कितने क्लोज? बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। तुम दोनों को गोली मार के मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो कर लो ना, हमें क्यों मारोगी? एक तो बताया नहीं और मुझे बचा रही हो। क्यों, तुम्हें ये कैसे पता चला कि उसे कुत्ते, बारिश, गरीब बच्चे पसंद है? जा कहां रहे हो? उसने बताया तुम्हें? तुम्हें खुद पता चला ना? मैं एक लड़की हूँ, ऐसे कैसे मैं खुल के बता देती? वैसे भी मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी? गंगा भाई अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहनी है। कह दूं क्या? दुनिया की हर लड़की ऑर्डिनरी होती है, तुम खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझती हो क्योंकि हम जो है ना तुमको उस नजर से देखते हैं और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना अगर किसी पे दिल आ जाए तो गधी भी परी लगती है, और तीन चार पैक पीने के बाद तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का बाप लगती है। अगर कोई रोमांटिक गाना सुन लो तो ऐसा लगता है तुम्हें सामने बिठाकर लिखा गया है। आंखों में लगा काजल दिल पिघला देता है, एक बार देख लो तो बार बार देखने को मन करता है। सिर्फ एक छोटी सी स्माइल काफी है, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ताजमहल बना के उसमें 2 नाइट 3 डे स्टे करने का दिल करता है। गंगा भाई जरा मुझे एक बात बताओ, लड़कियों और समुद्र की लहरों में क्या कनेक्शन है? चांद और तुम्हारा क्या रिलेशन है? तुम्हारी मुस्कुराहट क्या चांदनी जैसी है? हा? पूनम के चांद जैसी है जिसे देखते ही कोई दीवाना हो जाए, फिदा हो जाए। बेसिकली क्या तुम वो हसीना हो जिसकी वजह से आदमी शायर बनता है? कोई लड़की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती, दुनिया की कोई लड़की नहीं होती ना, सब एक जैसी ऑर्डिनरी ही होती है। come on, come on. गंगा जी अब मैं आपको बताता हूं एक लड़का क्या चाहता है। एक लड़का ऑर्डिनरी लड़की चाहता है। सर्वगुण संपन्न औरत वो होती है जो ऑर्डिनरी और सिंपल हो। अब रेखा जी को देख लो, ऑर्डिनरी है। मुमताज जी ऑर्डिनरी। औरत जितनी ऑर्डिनरी बनके रहे उतनी ही सुंदर लगती है। लेकिन तुम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। गंगा जी दिल पे छुरी चला दी। मुझे कभी छोड़ के मत जाना रामू। पागल कुतिया ने काट लिया ना, तो भी मैं ना छोड़ू, दोनों जादू की चप्पी। पांजे कुछ भी कहो, यह आंदोलन तुम पर भारी पड़ गया है।
तुम्हें राम बाबू को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। मीडिया से कभी सीधी बात नहीं करते। काश तुम इंटरव्यू से मना करते थे। पापा, बोल बेटा। आंदोलन में जान डालने के लिए मुझे इमोशनल भाषण की जरूरत है। हाँ जी जाजी, उस भाषण में अगर कुछ रोना धोना भी हो जाए तो काम हो जाएगा। हमारे आंदोलन को जिस तरह का राजनीतिक रंग दिया गया है उससे लगता है कि तेलुगु लोगों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जब मैं अपने राज्य के पिछड़े हुए लोगों को देखता हूं, उनके आंसू रोता हूं। पता नहीं अब कौन हमारे लिए लड़ेगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इसमें मेरी क्या गलती थी। गरीबों के बारे में सोचना क्या गलत है? क्या कोई जुर्म है? हर गरीब के घर में दो वक्त के खाने का सपना देखना क्या कोई गुनाह है? यहाँ के लोग ढंग से दो वक्त का खाना तक नहीं खा पाते। हाँ, ना मुझे ना मेरे बेटे को सत्ता का लालच नहीं है। अगर इस आंदोलन के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो परवाह नहीं है, मैं अपनी जान दे दूंगा। मगर लोगों को उनका हक दिला कर रहूंगा। इसका एक ही रास्ता है कि इस भ्रष्ट और अराजक सरकार को उखाड़ फेंकना है, तब तेलुगुओं का सपना पूरा होगा, तेलुगुओं का भला होगा, तेलुगुओं का ठीक था ना? क्या भाषण था पापा, एकदम ओरिजिनल एक्सप्रेशन थे। मैं आपके जैसा कब बन पाऊंगा? मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। हे, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया। अरे ये वीडियो हर चैनल पर आ जाए फिर देखना कमाल, लोग तुझे कैसे जीरो से फिर हीरो बना देते हैं। बस अब कुछ भी हो जाए तू सीएम जरूर बनेगा, बन के रहेगा। मेरे पास एक आइडिया है पापा। बोल ना बेटा। ये भाषण अगर आपका आखिरी भाषण बन जाए तो ये क्या कह रहा है? सीएम के ओहदे पर रहकर आपने काफी ऐश किया, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी दिमाग तो खराब नहीं हो गया है इस राज्य के लिए जान दे सकते हैं तो अपने बेटे के लिए नहीं? एए! लगता है तू पागल हो गया। सुना तूने ये क्या कह रहा है? पांजे, और देर मत लगा, निपटा दो। ए, ए, तू भी पागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है? गरीबों और किसानों की आवाज आज शांत हो गई। हमारे प्रिय नेता जवाहर शिंदे के इस दुनिया को छोड़ते ही पूरे देश में मातम छा गया। देखा मेरा एडवांस प्लानिंग काम आया ना? फास्ट फॉरवर्ड बनना पड़ता है मीडिया में। अब टपकने वाला बिना बताए टपक जाए तो हम बेवजह लटक जाएंगे ना बिंडोरी के। अब उसका क्या गया? वो तो बिना टाटा किए रफा दफा हो गया। हमने पहले से तैयारी नहीं की होती तो राम बाबू झपड़ मारता है, गलती हो लेता है और तू साले मेरी बदनामी करता है। बॉबी, इधर आओ। मैं या ये? हाँ तुम आओ। अब ये किसी को व्हाट्सएप मत करना। चलो इस तरफ। या दैट्स गुड, गो अहेड। स्मिता जी, ये हमारे चैनल को डुबोएगा। जैसे हमारे चैनल में न्यूज पढ़ी जाती है मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी ना न्यूज पढ़ता हूँ। लेकिन लिखते तो हो ना? हाँ। तो फिर जो तुम लिखते हो वही पढ़ा जाता है। अरे ऐसा क्या लिख दिया? तुम्हें नहीं पता क्या लिखते हो? पता नहीं है? चलो तुम्हारी न्यूज पढ़ते हैं। कौन डरता है? हाँ चलो चलो गया। आइए न्यूज क्या होती है और ये क्या बनाकर लिखता है ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर न्यूज पे कैसे तड़का लगाया जाता है।
न्यूज ये है, आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पीएम को मिलने 4 लोगों की कमेटी आज दिल्ली गई। पीपल के पेड़ को नारियल चढ़ाने के बावजूद उन मंत्रियों को पीपल ने भगा दिया। दिल्ली की आम बिल्लियों ने खेली। साइलेंट हो जा, ये क्या कॉमेडी सर्कस है? सीधा न्यूज पढ़ना। बीबीसी सीएनएन चैनल नहीं देखा क्या? वो तुम्हारी तरह नौटंकी करते हैं। अबे सीधा न्यूज पढ़ो ना, नहीं तू बता तू एक्टर है क्या? सारे तू बस एक न्यूज रीडर है, न्यूज को टेढ़ा बना के क्यों पढ़ता है? टेढ़ा बना के क्यों पढ़ता है तू? टेढ़ा होकर थोड़ा ही पढ़ रहा था। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज, अगली न्यूज। एक्टर प्रकाश राज ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए आज हाईकोर्ट में अपील की। शादी फिल्मी सितारों के लिए मजाक के सिवा कुछ नहीं, फिर वो नागार्जुन, पवन कल्याण हो या प्रकाश राज। तलाक ही लेना था तो मंडप और खाने पे खर्चा क्यों किया? प्रकाश राज ने हाईकोर्ट को धमकाया कि जल्दी तलाक दिलवाओ। अबे पांडू, जब न्यूज प्रकाश राज के बारे में है तो उसमें नागार्जुन और पवन कल्याण को घसीटने की क्या जरूरत है? तुझे पता है ना पवन कल्याण हटेला है, उसने ये खबर सुनी तो सड़क पे नंगा करके ठोक ठोक के मारेगा, ठोक ठोक के मारेगा तुझे। साला पांडू, हाईकोर्ट में कोई आदमी बोलता है वो भी जज के सामने, गधा साला। नेक्स्ट न्यूज पे चले। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज, अगली खबर। मशहूर एक्टर एलियन डी क्रूज ने कहा उनकी कामयाबी का राज वो डायरेक्टर्स हैं जो उन्हें गाइड करते हैं। हसीन एलियन डी क्रूज ने कहा कि कामयाबी के लिए कुछ भी चलेगा। बॉलीवुड में धूम मचाने वाली इस एक्टर को डायरेक्टर के कहने पर चिकनी बिकिनी चमेली बनकर छप छप छप्पा करने से कोई एतराज नहीं है। वो बोल्ड सीन भी बिना बोल्ट लगाए कर सकती है। ओए, ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो जहां चाहा वहां गटर का शटर खोल दिया। बेचारी एलियन ने क्या कहा, तुम क्या बोल रहे हो? अबे सेम टू सेम बोलने की क्या जरूरत है? अरे मिर्ची बिना चटनी कैसे बनेगी? ये उल्लू के पट्टे के थकेली न्यूज देखेंगे, चैनल बदल देंगे। न्यूज को मसाला न्यूज बनाने में कितना दिमाग लगता है, पहले इत्तु सी होती है, खींच के बड़ा करना पड़ता है। ये टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अगर दुल्हन वही पिया जो मन भाए तो न्यूज वही जो टीआरपी लेके आए। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पेन ऑल्सो। मेन न्यूज का वक्त हो गया है, कल्टी खाऊं क्या? प्लीज, मजा आया होगा, तुम निकलो अब। राज्य में MLAs की टूट फूट से नए समीकरण बन रहे हैं। क्या तेलगुओं का आंदोलन राजनीति बदलेगा? क्या जवाहर शिंदे के बाद राणा शिंदे CM बन पाएगा? राणा शिंदे इस बार अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, इस बात पर बहस अब भी जारी है। असेंबली में नया प्रस्ताव रखा गया जिससे राजनीति में नया मोड़ आने की उम्मीद है। CM ने सारे MLAs को आज बुलाया है, कहा जाता है कि असली जीत तो अब शुरू होगी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, सब ठीक ठाक? नमस्कार साहब, इस बार आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, सरकार हमारी ही बन रही है। नमस्कार, अरे बैठिए 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 बैठिए। 3 बहुत है, 5 का तो खर्चा हो गया, 3 कैसे लूं? 2 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, हमारी सरकार बन जाए तब 5 के 10 करोड़ ले लेना। चलो जाओ। हेलो। हाँ, तुम कहाँ हो? क्यों? विठल का फोन आया था। सब ठीक तो है ना? विठल, 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 विठल। राम बाबू। विठल, राम बाबू, क्या बात है? उसको मार डाला। किसको मार डाला बता मुझे? जवाहर शिंदे को उन दोनों ने मिलकर मार डाला, मैंने उसका वीडियो बनाया है, ये देखो। मैं राणा, राम बाबू, वीडियो के मुझे अरबों मिल सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी। इलेक्शन का टेंशन कम था जो तुम ये भी दे रही हो? अगर ये वीडियो टेलीकास्ट हुआ तो टेंशन और बढ़ जाएगी। मैंने अपने बाप को मारा है, तेरे बाप को तो नहीं मारा ना? मेरे बाप को मारते तो और कीमत लेती। तो तू मुंह खोल ना। मुझे 200 करोड़ चाहिए। तो, तो, तो,
क्या 200 करोड़? इतने पैसों का क्या करोगी? लड़की हूँ, शॉपिंग के लिए पैसे तो चाहिए ना। बात को समझो भांजे, इस वीडियो में हम दोनों साफ नजर आ रहे हैं। ये मौके पे चौका तो मारेगी ना। दे दो, दे दो, दे दो। वो है तो एक 5-स्टार होटल, लेकिन अब वो बन गया है एक MLA क्वार्टर। अंदर अब बिरयानी नहीं पकती, लेकिन पकती है नोटों की खिचड़ी। आखिर यहाँ कौन सी मंडी लगी हुई है? चार दीवारों के पीछे जो चल रहा है वो ऊपर वाला ही जाने। राणा और चंद्रशेखर पाटिल के बीच छिड़ी राजनीतिक रस्साकसी के बीच कुर्सी किस तरफ खिसकेगी? कौन सा MLA किस टीम में जाता है? ये पल पल की खबर बॉबी के साथ एक्सक्लूसिव। ब्रेक के बाद। राम बाबू पर हुए जानलेवा हमले से पूरा राज्य सदमे में है। हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं उनसे मिलने जाने वाले हैं। नमस्कार। नहीं 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 राम बाबू, लेटे रहो, आराम करो। देखो, मैं यहां पर यह पूछने नहीं आया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है या फिर ये किसने किया। ना ही मैं CM की हैसियत से आया हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं इसलिए आया हूं। CM का पद बहुत ही बड़ा होता है, राज्य में वो सबसे ताकतवर होता है। मैं अपना कर्तव्य निभाए बिना ये कुर्सी किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर वो CM बन गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुर्सी की यह भयानक लड़ाई इस देश की बुनियाद को खोखला करके रख देगी। जब भी किसी राज्य का CM बदलता है ना, तो वो राज्य 10 साल पीछे चला जाता है। नए नेता, नए फैसले और नई स्कीम्स आती हैं। पुरानी सरकार के लिए गए अच्छे फैसलों पर भी पानी फेर दिया जाता है। इस देश को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। वो इस कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। CM बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता राम बाबू, जरूरी है लोगों की सोच बदलना। जनता में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो खड़े होकर हमसे सवाल कर सके। लोगों का पॉलिटिशियंस पर से विश्वास उठ गया है, पर उन्हें तुम पर भरोसा है। मीडिया में सिर्फ एक इंसान को लोग पूछते हैं, राम बाबू को। छोटी समस्या को भी तुम गंभीरता से लेते हो। आज हमारे राज्य की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब तुम कुछ करो। आई वॉन्ट टू सी योर एक्शन। बाबू टीवी पर लाइव आने वाला है। अरे चैनल क्यों चेंज किया? अरे ये तो राम बाबू है। सारे चैनल्स को अब एक साथ आना होगा। किसी भी चैनल पर और कुछ नहीं चलेगा, सभी पे सिर्फ राम बाबू होगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद जब हम घर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। जिन्हें कोई काम धंधा नहीं होता वो भी टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। हमें यह जानना होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, इस देश में, हमारे राज्य में। न्यूज देखने के बाद हम क्या करते हैं? सुबह ऑफिस में गप्पे मार के बेफजूल के सुझाव देते हैं। बेफजूल के सुझाव? सालों से बेकार बैठा आदमी इस बात पर सुझाव देता है कि प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट के साथ देश के सुधार के लिए क्या करना चाहिए।
जीवन में जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा वो इस बात पे सुझाव देता है कि धोनी को किस तरह बैटिंग करके चौके और छक्के मारने चाहिए। चाय की दुकान पर चाय सुड़कते हुए इस बात पर सुझाव आते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और किस देश से कैसे रिश्ते रखने चाहिए। पीरू अच्छा है या क्यूबा देश, इस बात पर भी सुझाव। अरे बराक ओबामा तो कुछ भी नहीं है, कोई देश चलाना हमसे सीखे। उल्लू उल्लू काट पे बैठे उल्लू। जिस तरह हम सबकी मां हमें प्यार से खाना खिलाती है, उसी तरह ये सारे टीवी चैनल्स दुनिया भर में हो रहे अन्यायों को हमारे सामने लाते हैं। न्यूज देखकर हम क्या करते हैं? हम अपने देश को गाली देते हैं, नेताओं को गाली देते हैं, सरकार को कोसते हैं, इस बात का रोना रोते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश बेकार है, यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोसने से हालात नहीं बदलते हैं, हालात बदलते हैं अपनी सोच को बदलने से, खुद को बदलने से। आप खुद को बदलोगे तो देश जरूर बदलेगा। मैं यहां आज आपको भाषण देकर अच्छा नागरिक बनाने नहीं आया हूं, ना इसमें मुझे कोई दिलचस्पी है ना कोई शौक है, लेकिन आज साफ साफ बात होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। जानते हो ना आंध्र प्रदेश के हालात कितने खराब हैं? अगर 25 एमएलए पाला बदल दे तो हमारी किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगेगा, चलेगा तुम सबको? राणा जैसा क्रिमिनल हमारे सर में बैठ के चीफ मिनिस्टर बनेगा, चलेगा तुम सबको? ए तुम आज एमएलए को खरीदने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सब तुमसे वसूलेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ेगी, बस की टिकट के पैसे बढ़ेंगे। अगर वो सीएम बन गया तो तुम्हारी छाती पे मूंग दलेगा, चलेगा तुम सबको? प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो ना, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, टाइम देना होगा। लेकिन टाइम तो है नहीं आपके पास। फिल्म देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने का टाइम है, अपने लवर से घंटों बात करने के लिए आपके पास टाइम है, व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक की बात आ जाए तो आपके पास टाइम ही टाइम है, फेवरेट सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देखने का भी टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो देश के लिए नहीं है। किसके लिए? देश के लिए। दिन में सिर्फ एक घंटे के लिए देश के बारे में सोचो, एक घंटे के लिए। देश क्यों बदलेगा? देश क्यों बदलेगा? देश क्यों बदलेगा? एक घंटा सिर्फ दिन में। बदलाव लाने वाला आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं। उठो, खुद बदलाव लेकर आओ। दूसरों में हीरो ढूंढते रहते हो, खुद क्यों नहीं बनते हीरो? बंद करो नेताओं को कोसना। तुम यूथ हो? कैसे यूथ हो? कैसे यूथ हो? कैसे यूथ हो? ये तुम सब की लड़ाई है और तुम सब चाहते हो कि कोई और आकर तुम्हारे लिए लड़े। भगवान विष्णु भी खुद राक्षसों से लड़ने धरती पर आए और तुम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहते। फैसला कर लो खुद के लिए लड़ोगे कि नहीं। मैं राणा को रोकने जा रहा हूं, अपने प्रदेश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, कल मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तुम साथ खड़े होगे कि नहीं? तुम साथ खड़े होगे कि नहीं? जो खुद की मदद नहीं करता उसकी मदद तो भगवान भी नहीं करता। आओ आओ, ये राम बाबू कल सुबह अकेले खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करेगा। आओ आओ आओ। खोल के सुन लो, यहां से एक भी एमएलए बाहर नहीं जाना चाहिए। भांजी, कल रात को जब वो लोगों के साथ आने को कह रहा था मुझे लगा था कोई नहीं आएगा, बाहर देखो।
कितने लोग होंगे? मुझे तो अपनी आंखों के सामने जनसैलाब नजर आ रहा है। गिनती करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखा, इसे कहते हैं आम आदमी की ताकत। जहां देखो लोग ही लोग नजर आते हैं, लगता है पूरा राज्य उठ के आ गया। समझ में नहीं आता ये हमारे राज्य के हैं या बाहर से मंगवाए हैं। हम तो पैसे देके भी इतने नहीं बुला पाते। सर, यहाँ इतनी भीड़ है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो भीड़ शांत खड़ी है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति लग रही है। अगर इसके बुलाने पर इतने लोग आ सकते हैं तो मेरे बुलाने पर कितने? अरे लोग बचे होंगे तो तुम्हारे साथ आएंगे ना। अब हार मान लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाओ जाओ, पूछ के आओ आखिर वो चाहता क्या है। राम बाबू, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड्स क्या है? प्लीज बताओ राम बाबू, बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। आओ आओ आओ, क्या बोला वो? सर, राम बाबू ने आपको 5 मिनट का वक्त दिया है। इस बिल्डिंग में एक भी एमएलए नहीं चाहिए। उसने उन्हें घर जाने को कहा है। भला इसी में है कि सब यहाँ से चले जाएं। आखिर वो क्या कर लेगा? क्या कर सकता है वो? मिलिट्री के यहाँ आने से पहले सब कुछ तबाह हो जाएगा सर, एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। Thank you.
क्या बात है? क्या चाहिए तुझको? ये सब करके क्या मिलेगा? आखिर कितने पैसे चाहिए? ये राज्य हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये राज्य हमारा है। तू नहीं जानता तू कितनी बड़ी गलती कर गया। Have a safe trip. Goodbye. पॉलिटिकल मकसद है? क्या पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे क्या राज है, आप बताना चाहेंगे? मेरी मां के साथ किसी ने गद्दारी की। वो न्याय के लिए रोती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वो पागल हो गई। मैं अपनी मां के पेट में था और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मैं उसी पागल मां का बेटा हूं। मेरे जन्म के बारे में मेरी मां को पता तक नहीं है। वो नहीं जानती किसने मुझे नाम दिया या मैं कहां बड़ा हुआ। कहने को मैं एक लावारिस हूं, अपने पिता का नाम तक नहीं पता। मेरी मां अब तक मेंटल हॉस्पिटल में है। आज भी वो न्याय के लिए आंसू बहाती है। ये राज्य भले ही मेरे परिवार को नजरअंदाज कर दे, लेकिन मैं इस राज्य को नजरअंदाज नहीं करूंगा।